आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो माइक्रोप्रोसेसर का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसका नाम है आर्किटेक्चर ऑफ 8085। ये आर्किटेक्चर ही बताता है कि कैसे कोई भी इंस्ट्रक्शन जब माइक्रोप्रोसेसर को दिया जाता है तो वो ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होता है। कि अगर आपने माइक्रोप्रोसेसर को कहा कि एक इंस्ट्रक्शन है ऐड बी, मीन्स दैट ऐड कीजिए, किसको ऐड करना है, एक्यूमुलेटर के कंटेंट को रजिस्टर बी के कंटेंट के साथ ऐड कीजिए और फिर उसको कहाँ ले जाके स्टोर कीजिए, एक्यूमुलेटर के कंटेंट में। इस इंस्ट्रक्शन का मतलब इतना होता है। तो ये पूरा ऑपरेशन, यानी कि कैसे पहले माइक्रोप्रोसेसर को इस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए पहले सबसे पहले क्या करना होगा, फिर उसके बाद क्या करना होगा, फिर कैसे आपका एक्यूमुलेटर का कंटेंट रजिस्टर के कंटेंट के साथ जाके एडिशन होगा, एडिशन के बाद इस रिजल्ट को कैसे एक्यूमुलेटर में स्टोर होगा, इन सारे प्रोसेस को होने के बाद क्या फ्लैग रजिस्टर आपका वर्क करेगा, फ्लैग रजिस्टर अगर वर्क करेगा तो फ्लैग का स्टेटस क्या होगा, प्रोग्राम काउंटर अगर है तो उसका स्टेटस क्या होगा, स्टैक पॉइंटर है तो वो क्या इंडिकेट करेगा, ये सारा चीज हम लोग क्या देखेंगे, एक ही ऑपरेशन को लेकर चलेंगे और उसमें डिटेल से देखेंगे कि कैसे आर्किटेक्चर वर्क करता है हम लोगों का। क्योंकि अगर ये वर्किंग आप समझ गए तो मतलब माइक्रोप्रोसेसर का बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट कि किसी भी इंस्ट्रक्शन को माइक्रोप्रोसेसर कैसे एग्जीक्यूट करता है, आप इसको समझ जाएंगे। तो इसके लिए मैं आपको आज एक्सप्लेन करने से पहले कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट बताऊंगा और उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। तो देखिए, सबसे पहले क्या है कि हम लोग अगर बात करें एक मेमोरी की, एक मेमोरी की बात करें तो मेमोरी कैसा होता है। जनरली मेमोरी दिखने में आपको एक रैक की तरह होगा, ठीक है, जिसको कहते हैं हम लोग स्टैक कहते हैं, यानी कि इस फॉर्म में। जैसे क्लासरूम देखा है आप लोग, अपने कॉलेज का क्लासरूम कैसा होता है, हर में बेंच लगा रहता है, हर बेंच का अलग अलग नंबर। एग्जाम देने के लिए जब आप किसी कॉलेज में जाते हैं तो क्या होता है, हर बेंच पे आपके नाम का रोल नंबर का स्टिकर लगा होता है ना, तो वैसे ही मेमोरी ठीक उसी तरह से मेमोरी होता है। मेमोरी में इसके एक साइड में एड्रेस होता है, एक साइड में क्या होता है, एड्रेस होता है, और उसके मेन मेमोरी के रैक में क्या लगा होता है, तो रैक में लगा होता है आपका डेटा या इंस्ट्रक्शन। यानी कि आपके पास मान लीजिए एक बाल्टी है, तो बाल्टी में क्या करेंगे आप, कुछ पानी या कुछ सामान जो भी रखना रखेंगे, तो बाल्टी का कुछ नाम भी तो होगा, ठीक है। मान लीजिए आपके पास 10 बाल्टी है और आपको कहा जाए कि जाइए ये पीला वाले बाल्टी से फलाना चीज निकाल के लाइए, सपोज, ठीक है, यानी कि एक बाल्टी नहीं है, कई ढेर सारा बाल्टी है, इस तरह से ढेर सारा बाल्टी है, तो आप क्या कीजिएगा, हर एक बाल्टी को एक नेमिंग कर दीजिएगा। नेमिंग मतलब मान लीजिए इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है, इसका नाम डी है, आपने नेमिंग कर दिया, तो अब आपको क्या बोलना पड़ेगा, सीधे ये नेमिंग जो कहलाएगा इस बाल्टी का एड्रेस कहलाएगा, और इसके अंदर जो कंटेंट आप रखे हुए हैं, मान लीजिए एक बाल्टी में आपने रखा चावल रखा हुआ है, दूसरे में आपने दाल रखा हुआ है, ठीक है, तीसरे में आपने चीनी रखा हुआ है, तो ये क्या कहलाएगा, डेटा कहलाएगा। और ये जो नेमिंग जो देख रहे हैं ये क्या कहलाएगा, एड्रेस कहलाएगा उसका। तो पहले अगर आपको कहा जाएगा कि जाइए चीनी लेके आइए और ये ना बताया जाए किस बाल्टी में, ठीक है, यहाँ 10 बाल्टी तो मैंने कम बोला, मान लीजिए 1000 या 10000 बाल्टी रखा हुआ है और आपको कहा गया कि जाइए चीनी लेके आइए, तो आप क्या खोज कर ले आएंगे चीनी को, आपको 10000 बाल्टी को बारी बारी से उठा उठा के उसके सामान को कंटेंट को देखना पड़ेगा किसमें चीनी है, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि सी बाल्टी जो है जिसका एड्रेस सी है, सी में जाइए और वहां से चीनी ले आइए, तो क्या होगा, आप डायरेक्ट यहाँ आएंगे और आके क्या करेंगे, इसके अंदर जो कंटेंट उसको लेंगे और चले जाएंगे, ठीक है। तो यही चीज मेमोरी में होता है। मेमोरी में, एक मेमोरी में क्या होता है, बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन स्टोर होता है एक मेमोरी के अंदर, ठीक है। तो ये मेमोरी कैसा क्लासिफाई होता है, ये छोटे छोटे स्लॉट में क्लासिफाई होता है, यानी छोटा छोटा इसमें क्या होता है, सब सेक्शन बना होता है, बहुत छोटा छोटा, ठीक है। और ये सब सेक्शन किस क्या होता है, एक बिट को स्टोर करता है। एक बिट को स्टोर करने का मतलब क्या है, ये हर इंस्ट्रक्शन के लिए एक बिट स्टोर करने के लिए एक फ्लिप फ्लॉप यहाँ पे है, मालूम है कि फ्लिप फ्लॉप क्या करता है, 1 बिट डेटा को स्टोर करता है। तो यहाँ पे ऐसा सा फ्लैग जो रैक देख रहे हैं हर एक में, यानी यहाँ पे एक बिट स्टोर है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, इस तरह से क्या है, हर एक स्लॉट में एक डेटा स्टोर है, आइदर 0 और 1 स्टोर है। तो हम क्या करेंगे, इसको हमको मान लीजिए कॉल करना है, इसको मतलब इस ये डेटा हमको चाहिए, तो इस डेटा को उठाने के लिए हमको इस रैक का, इस स्लॉट का, यहाँ पे का एड्रेस चाहिए होगा, ये एड्रेस पता होना चाहिए। तो हर एक स्लॉट का, जितना भी स्लॉट मेमोरी के अंदर होता है, सबका एक फिक्स एड्रेस होता है। और ये एड्रेस किस फॉर्म में होता है, ये एड्रेस होता है हेक्साडेसिमल फॉर्म में। हेक्साडेसिमल फॉर्म कैसा होता है, तो मालूम कि हेक्साडेसिमल जो भी एड्रेस होगा वो 16 बिट का एड्रेस होगा, वो किस तरह से लिखा होगा, 3242H, ये इस फॉर्म में।
हम माइक्रोप्रोसेसर में जो भी नंबर की बात करेंगे, जैसा भी नंबर हो, वो हमेशा किस फॉर्म में होगा, वो हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में होगा। ओके, और हेक्साडेसिमल फॉर्मेट किसका फॉर्मेट है, तो बाइनरी का फॉर्मेट है। यानी बाइनरी का क्या है, शॉर्टकट फॉर्म है। यानी अगर आपको इसको लिखना है इन फॉर्म ऑफ बाइनरी, तो क्या करेंगे, पहले 3 का बाइनरी लिख देंगे, फिर 2 का, फिर 4 का, फिर 2 का, तो ये कंप्लीट रूप से कहलाएगा हेक्साडेसिमल का बाइनरी हो जाएगा। जैसे 3 का बाइनरी क्या हो जाएगा, आप लिख देंगे 0011, 2 का क्या लिखेंगे 0010, 4 का क्या लिखेंगे 0100, सो ऑन लिखेंगे, 2 का लिखेंगे क्या 0010। तो ये कंप्लीट रूप से हेक्साडेसिमल का क्या कहेगा, इस आपका ये जो रैक है, ये जो मेमोरी का स्लॉट है, इस मेमोरी स्लॉट का ये एड्रेस हो जाएगा, ये एड्रेस को इंडिकेट करेगा। ओके, तो ठीक इसी तरह से हम लोग माइक्रोप्रोसेसर में मैंने बात किया कि क्या होता है, एक साइड में एड्रेस होता है, तो मान लीजिए यहाँ पे एड्रेस आपका है कितना 1001, दूसरे में क्या हो जाएगा 1002, 1003, ठीक है, सो ऑन बढ़ता हो जाएगा 100, मान लीजिए 1008, ओके 10088, मान लीजिए ढेर सारा ये है नंबर ऑफ जो आपका मेमोरी है, मेमोरी सेल जो है वो बहुत ज्यादा है। तो आपका क्या, हर एक सेल में एक डेटा होगा, इसमें सपोज मान लीजिए 32H, ओके, इसमें क्या हो गया 24H, इसमें क्या हो गया 12H, ओके, इसमें भी कुछ डेटा, इसमें लास्ट में मान लीजिए आपका है 16H, ओके, तो ये क्या है, आपका डेटा या इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, तो डेटा या इंस्ट्रक्शन इस साइड है और इधर क्या है आपका एड्रेस है। तो अब आपको क्या है कि कभी भी किसी भी डेटा या इंस्ट्रक्शन को कॉल करना होगा तो पहले आपको उसका क्या करना पड़ेगा, एड्रेस को बताना पड़ेगा। जब आपको उसका एड्रेस मिल जाएगा तो आप उस एड्रेस पे जाइएगा और जाने के बाद उस डेटा को उठा के ले आइएगा, ठीक है, सिंपली। तो माइक्रोप्रोसेसर भी ऐसे ही काम करता है कि जब माइक्रोप्रोसेसर को मान लीजिए किसी भी डेटा या इंस्ट्रक्शन को कॉल करना होता है, यानी उसके हिसाब से इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म करना होता है, तो वो क्या करता है, सबसे पहले एक एड्रेस को ढूंढता है कि किस एड्रेस पे हमको जाना है, और जाने के बाद दो काम होता है, या तो रीड होता है या फिर राइट होता है, ठीक है। माइक्रोप्रोसेसर दो ही ऑपरेशन मेनली करता है मेमोरी के साथ, वो क्या है, रीड होता है या फिर राइट होता है, बाकी ऑपरेशन है जैसे कॉपी है, मूव है, ये है वो सब बाद में हम लोग देखेंगे। अभी बेसिकली समझिए रीड राइट में क्या होता है, यानी माइक्रोप्रोसेसर जब रीड करता है तब क्या होता है और राइट करता है तब क्या होता है। ओके, जब माइक्रोप्रोसेसर रीड करेगा, जैसे ये आपका मेमोरी है, तो मैंने क्या किया, एक माइक्रोप्रोसेसर यहाँ पे बना दिया, ठीक है। माइक्रोप्रोसेसर के पास क्या क्या होगा, तो माइक्रोप्रोसेसर के पास अपना एलयू होगा, ठीक है, एलयू होगा, उसका अपना क्या होगा, रजिस्टर होगा अंदर में, ठीक है, और अपना क्या होगा, टाइमिंग एंड कंट्रोल सर्किट होगा, ठीक है, तीन चीज होता है मेनली माइक्रोप्रोसेसर के पास। ओके, तो हम बात करें ये माइक्रोप्रोसेसर, ये क्या है, माइक्रोप्रोसेसर है, और ये क्या है आपका मेमोरी है। मेमोरी क्या है, एक्सटर्नल, क्या है ये, एक्सटर्नल कंपोनेंट है मेमोरी। तो हम बात करते हैं माइक्रोप्रोसेसर को, मैंने कहा कि जाइए और जाकर, मतलब क्या है कि जो इंस्ट्रक्शन मैंने लिखा है कहाँ पे, मैंने एक इंस्ट्रक्शन दिया, जैसे कि आपको कहा जाए मोबाइल फोन में, मोबाइल फोन में सबसे अच्छे से समझ में आएगा, मान लीजिए आपने फेसबुक ओपन करना आपको, ओके, मोबाइल में क्या करना आपको, फेसबुक ओपन करना, फेसबुक तो सब कुछ चलाते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, ठीक है। तो आपके मोबाइल फोन में क्या होता है, एक फेसबुक का आइकन बना होता है, फेसबुक का आइकन बना होता है, आप जाते हैं उस पर क्लिक कर देते हैं, ठीक है, यही करते हैं ना, क्लिक कर देते हैं। तो इस, जब आप क्लिक करते हैं तो एक्चुअली में आप क्या कर रहे होते हैं, ये क्लिक करने पे इस फेसबुक का क्या है, कोई ना कोई, जैसे मान लीजिए मेमोरी के अंदर क्या क्या हो सकता है, मेमोरी के अंदर आपका प्रोग्राम हो सकता है, प्रोग्राम का कंटेंट हो सकता है, ठीक है, ये नहीं हो सकता है, जैसे कोई भी चीज, आप मान लें आपके मोबाइल में MX प्लेयर है, तो MX प्लेयर क्या है, एक एप्लीकेशन है, MX प्लेयर क्या है, एक एप्लीकेशन है, और उसके अंदर आपने रखा हुआ है मूवी रखा हुआ है, सॉन्ग रखा हुआ है, वीडियो सॉन्ग रखा हुआ है, ये सब रखा हुआ है, तो ये क्या है, ये डेटा है उसके लिए, ठीक है। जबकि MX प्लेयर क्या है, एक एप्लीकेशन है, जबकि मूवी सॉन्ग उसके अंदर जो भी रखे हुए हैं देखने के लिए, वो सारा क्या है, इसके लिए डेटा का काम करेगा। तो मेमोरी के अंदर क्या हो सकता है, या तो प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन हो सकता है, ये जो एप्लीकेशन कहला रहा है इसको कहते हैं प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन, यानी कि एप्लीकेशन भी किससे बना हुआ है, कोई ना कोई इसके पीछे क्या है, एक प्रोग्राम लिखा हुआ है सिक्वेंस बाय सिक्वेंस, कि जब भी इस एप्लीकेशन को यूजर क्लिक करेगा तो ये प्रोग्राम रन करना शुरू हो जाएगा, ये प्रोग्राम रन करना शुरू हो जाएगा, और जब ये प्रोग्राम रन करना शुरू करेगा तो यही प्रोग्राम क्या कहलाता है, इंस्ट्रक्शन कहलाता है, इंस्ट्रक्शन या मेमोरी, जो माइक्रोप्रोसेसर को बताता है कि ये प्रोग्राम को रन करो और इसमें जो भी है कंटेंट उसको क्या करो, पहले रन करो, रन करने के बाद जब ये एप्लीकेशन, यानी ये वाला एप्लीकेशन जब ओपन हो जाता है, तब उसके अंदर का डेटा आपके स्क्रीन पे शो करने लगता है, यानी मूवी कौन सा है उसके अंदर, उसके अंदर क्या है, सॉन्ग कौन सा है, तो फिर आप उसके बाद मूवी या सॉन्ग को क्लिक करके उसको ओपन करते हैं। तो पहला काम क्या होता है, एप्लीकेशन को ओपन करने का काम होता है। ओके, एप्लीकेशन ओपन होने के बाद ही आप उसके कंटेंट को देख पाते, कभी कभी देखा होगा व्हाट्सएप क्लिक किया आपने, व्हाट्सएप आपके मोबाइल में बना हुआ है, ठीक है,
व्हाट्सएप बना हुआ है, व्हाट्सएप पे जब आपने क्लिक किया तो व्हाट्सएप तो ओपन हो रहा है, लेकिन ओपन होने में थोड़ा टाइम ले जाता है, ग्रीन कलर का शो किया उसके बाद ओपन हुआ। ओके देखा ना ये चीज, व्हाट्सएप पे ओपन किया जब आपने तो देखा कि क्या हो गया, ये डब्ल्यू मान लेता सीधा शॉर्टकट, ठीक है व्हाट्सएप है, तो जैसे ही आपने क्लिक किया तो इसको ओपन होने में टाइम लग गया। तो टाइम होने में एक्चुअली में क्या हो रहा है, वो एप्लीकेशन के प्रोग्राम को रन करता है पहले, यानी इस एप्लीकेशन को ओपन होने के लिए भी एक प्रोग्राम लिखा हुआ ऑलरेडी, ठीक है। उस प्रोग्राम को क्या करता है, पहले माइक्रोप्रोसेसर रन करता है, तब जाके इसका क्या होता है, इंटरनल आर्किटेक्चर खुल जाता है, यानी अंदर का जो डेटा है वो दिखाई देने लगता है, जैसे किसका मैसेज आया किसका नहीं आया, वो सब क्या है, डेटा है। जबकि इस एप्लीकेशन को खोलने के लिए जो प्रोग्राम रन कर रहा है वो क्या होता है, इंस्ट्रक्शन कहलाता है। ओके आई होप आपको समझ में आ गया कि मेमोरी के अंदर क्या हो सकता है, तो मेमोरी के अंदर इंस्ट्रक्शन भी हो सकता है, मेमोरी के अंदर डेटा भी हो सकता है। इंस्ट्रक्शन मतलब क्या हो गया, प्रोग्राम, ठीक है, और डेटा मतलब क्या हो गया, जो आप भेजते हैं, यानी आपका क्या है, पर्सनल डेटा, जो भी या फिर आप टाइप करके भेज रहे हैं या फिर आप रिसीव कर रहे हैं, दैट्स कॉल्ड डेटा, ठीक है। लेकिन इंस्ट्रक्शन क्या हो जाएगा, जो यूजर ने मतलब जो जिसने मैन्युफैक्चरर ने जब इस एप्लीकेशन को बनाया तो उसने कुछ कोडिंग लिखा होगा इसके लिए, और वो कोडिंग क्या होगा, सबसे पहले ओपन करने वाला, किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करने वाला जो कोड रन करेगा, दैट्स कॉल्ड इंस्ट्रक्शन। ओके इतना सब कुछ बताने के बाद हम लोग आते हैं रीड राइट के ऊपर, ठीक है, थोड़ा सा इरेज कर लें और उसके बाद चलते हैं रीड राइट के ऊपर, ठीक है। देखिए रीड राइट कैसे होता है, ये भी इरेज हो गया, ये इरेजिंग भी है ना इसका, ठीक। देखिए जब हम लोग चलेंगे कि माइक्रोप्रोसेसर को क्या करना है, मुझे एक सेकंड ये सेल जो है थोड़ा सा फिर से ड्रा कर लिया जाए, 1002 1003 सो ऑन, ठीक है। ये आपका मेमोरी है, यहाँ पे डेटा है 24 मान लीजिए, यहाँ पे डेटा है 32, ठीक है समझते हमने। तो माइक्रोप्रोसेसर क्या करता है, दो ऑपरेशन मेनली करता है, वो क्या है, एक रीड करता है और एक राइट करता है, ठीक है। जब रीड करता है माइक्रोप्रोसेसर तो क्या होता है, मतलब रीड करने का मतलब होता है कि माइक्रोप्रोसेसर के रजिस्टर में एक रजिस्टर होता है जिसको कहते हैं प्रोग्राम काउंटर। ओके माइक्रोप्रोसेसर के पास दो तरह का रजिस्टर होता है, अभी हम लोग बात करेंगे, एक को कहते हैं स्पेशल पर्पस रजिस्टर और एक को कहते हैं जनरल रजिस्टर। तो जनरल रजिस्टर जो होता है वो क्या कहलाता है, वो 8 बिट का होता है मेनली, और स्पेशल रजिस्टर जो होता है वो मेनली 16 बिट का होता है, तो जिसमें से एक स्पेशल रजिस्टर प्रोग्राम काउंटर है आपका, जो कि 16 बिट का रजिस्टर होता है। ओके 16 बिट डेटा को हैंडल करता है। तो ये क्या रखता है, मेनली ये एड्रेस को स्टोर करता है, किसके एड्रेस को, यही जो आपको इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करना है उसके फर्स्ट एड्रेस को ये स्टोर करता है हमेशा। मान लीजिए ये आपको इंस्ट्रक्शन, ये अभी इंस्ट्रक्शन आपको दिया हुआ है कि इस जो मतलब इस मेमोरी में जो 1001 पे जो इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है उसको एग्जीक्यूट करना शुरू करो, और जहां तक ये इंस्ट्रक्शन मेंशन है उसको पूरा एग्जीक्यूट करो। ओके ये माइक्रोप्रोसेसर को क्या किया, आपने कमांड दिया। तो जब ये कमांड दिया तो सबसे पहले क्या होगा, ये जो 1001 है एड्रेस जो है वो किस में जाएगा, आपके माइक्रोप्रोसेसर में जाएगा 1001H। ये एड्रेस कहाँ आएगा, प्रोग्राम काउंटर में आएगा। ओके प्रोग्राम काउंटर में ये आने के बाद क्या करेगा, माइक्रोप्रोसेसर क्या करेगा, रीड करेगा। क्या रीड करता है, देखिए माइक्रोप्रोसेसर रीड करने का मतलब क्या हो गया, सिंपली मैंने कहा क्या, ये आपका माइक्रोप्रोसेसर है। ओके देखिए रीड और राइट का मतलब बता देता हूँ क्लियरली, ताकि आपको कहीं पे दिक्कत ना हो, ये आपका मेमोरी है, ठीक है। दो ऑपरेशन, या तो रीड या तो राइट। जब रीड होगा तो कहने का मतलब क्या है कि माइक्रोप्रोसेसर इसके अंदर जो डेटा होगा उसको क्या करेगा, अपने तरफ लाएगा। रीड का मतलब क्या होगा, उसके डेटा को क्या करेगा, रीड करेगा। रीड करने के बाद क्या होगा, अपने मतलब मेमोरी से डेटा किस में आएगा, माइक्रोप्रोसेसर में आएगा, ठीक है। मेमोरी से डेटा का ट्रांसफर कहां होगा, माइक्रोप्रोसेसर में। राइट करने का मतलब क्या होता है कि माइक्रोप्रोसेसर से जो डेटा प्रोसेस हो जाएगा, प्रोसेस होने के बाद कहां जाकर राइट हो जाएगा, आपका मेमोरी के अंदर जाकर राइट हो जाएगा, ठीक है। तो रीड करने का मतलब क्या हो गया, मेमोरी टू माइक्रोप्रोसेसर डेटा रीड होगा, ठीक है। यानी कोई भी डेटा को माइक्रोप्रोसेसर जब रीड करेगा तो मतलब मेमोरी से उस डेटा को उठाएगा और अपने अंदर ले आएगा। जबकि राइट करने का मतलब क्या हो जाएगा कि माइक्रोप्रोसेसर क्या करेगा, अपने प्रोसेस हुए डेटा को क्या करेगा, उठाएगा और उसको ले जाएगा कहां राइट कर देगा, मेमोरी में ले जाकर राइट कर देगा। ओके तो ये हो गया रीड और राइट का मतलब। तो यही चीज होता है कब, अब हम लोग आते हैं आर्किटेक्चर के ऊपर और उसके बाद दिखाते हैं ये सारा चीज वहां हो रहा है। ओके तो देखिए, तो जब हम लोगों को कोई इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करना होता है तो सबसे पहले क्या होता है, मतलब मैंने क्या किया, मुझे क्या है कि मैंने एक प्रोग्राम लिख रखा है पहले से। यहाँ पे देखिए मैंने इस मेमोरी में एक प्रोग्राम लिख रखा है, ठीक है। ये प्रोग्राम क्या है कि जाइए और व्हाट्सएप को ओपन कर दीजिए। ओके ये किसके लिए प्रोग्राम है, व्हाट्सएप को ओपन करने के लिए प्रोग्राम है। मैंने क्या किया, यूजर ने क्या किया, यूजर ने कुछ नहीं किया, सिंपली क्या किया,
कि आपने मोबाइल को खोला और खोलने के बाद व्हाट्सएप पे क्लिक कर दिया, बस यही करना था कि व्हाट्सएप पे क्लिक कर देना था। तो जैसे ही व्हाट्सएप पे जब क्लिक करता है यूजर, तो ये वाला जो एड्रेस है, यानी कि व्हाट्सएप ओपन, ये की पूरा इंस्ट्रक्शन किसके लिए है, व्हाट्सएप के ऐप प्रोग्राम को, यानी व्हाट्सएप का जो एप्लीकेशन आपके मोबाइल में है उसको ओपन करने का ये पूरा प्रोग्राम है। ये क्या है, उसको ओपन करने का ये पूरा प्रोग्राम है। तो जैसे ही आपने क्लिक किया व्हाट्सएप पे, तो ये वाला जो इंस्ट्रक्शन का सबसे पहला जो एड्रेस है वो निकल कर कहां जाएगा, वो माइक्रो प्रोसेसर के किसमें जाएगा, प्रोग्राम काउंटर में चला जाएगा। ठीक है, ये एड्रेस कहां आएगा, माइक्रो प्रोसेसर के प्रोग्राम काउंटर में आ जाएगा। प्रोग्राम काउंटर क्या होता है भाई, तो 16 बिट का स्पेशल पर्पस रजिस्टर है जिसका काम क्या होता है, किसी भी 16 बिट डेटा या एड्रेस को होल्ड करना। ठीक है, लेकिन ये 16 बिट डेटा और एड्रेस कौन सा होगा, तो ये करंट एग्जीक्यूशन जो हो रहा है, यानी कि जो प्रोग्राम करंटली रन कर रहा है उसके एड्रेस को स्टोर करता है। यानी जो प्रोग्राम, मान लीजिए अभी आपका प्रोग्राम इसको रन कराना है, ठीक है, तो इसके एड्रेस को ही करेगा। जैसे ही ये प्रोग्राम रन होने लगेगा पहला वाला, तो अब ये क्या करेगा, दूसरे एड्रेस को, नेक्स्ट एड्रेस को ले लेगा। ठीक है, फिर जब ये प्रोग्राम रन होने लगेगा तो उसी टाइम में जब ये रन हो रहा होगा तब ये तीसरे एड्रेस को, इसका एग्जैक्ट डिफिनेशन हम लोग इस तरह से कह सकते हैं कि प्रोग्राम काउंटर इज ए स्पेशल पर्पस रजिस्टर विच कंसिस्ट ऑफ क्या, एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन विच इज टू बी एग्जीक्यूटेड। क्या नाम है इसका, सिंपली कह सकते हैं ये क्या करता है, ये होल्ड करता है किसको, एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन विच इज टू बी एग्जीक्यूटेड। तो अभी क्या है, जब स्टार्ट करेगा यूजर, मतलब क्लिक करेगा, तो क्या करेगा, वो एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना चाह रहा है जिसका एड्रेस कितना है, 1001 है। तो क्या करेगा प्रोग्राम काउंटर, इस एड्रेस को अपने में क्या करेगा, स्टोर कर लेगा, यानी इस एड्रेस को यहां से माइक्रोप्रोसेसर रीड करेगा और किसमें भेज देगा, प्रोग्राम काउंटर में भेज देगा। ये नहीं होगा, अब जब ये एड्रेस यहाँ पे प्रोग्राम काउंटर के अंदर आ जाएगा, एड्रेस क्या है, 1001H, तो प्रोग्राम काउंटर के अंदर ये 16 बिट एड्रेस है या 8 बिट है या 4 बिट है। तो हमेशा बात करेंगे हेक्साडेसिमल, तो हेक्साडेसिमल क्या होता है, 16 बिट या 8 बिट का होता है। अगर 2 बिट में लिखा हुआ है तो मालूम हो जाएगा कितना, 8 बिट का है, और अगर 4 बिट लिखा हुआ है, यानी 4 डिजिट लिखा हुआ है हेक्साडेसिमल, तो ये कितना हो जाएगा, 16 बिट का हो जाएगा। तो ये क्या है, 16 बिट का एड्रेस प्रोग्राम काउंटर में आके स्टोर हो जाएगा। अब प्रोग्राम काउंटर क्या करेगा, तो देखिए मैंने क्या कहा कि सिंपली आपका एक प्रोग्राम ओपन करना था। देखिए यहां, देखिए तो यहां से अभी हम लोग आर्किटेक्चर को यहां से पढ़ना शुरू कर रहे हैं, इस इंट से। ओके, इस इंट से क्यों पढ़ना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि प्रोग्राम मतलब आर्किटेक्चर माइक्रोप्रोसेसर जिस तरह से वर्क करता है, जहां से वर्क करना स्टार्ट करता है, वहीं से अगर उसको समझेंगे तो पूरा कंप्लीटली आपको अच्छे से समझ में आएगा उसका प्रोसेस को। और अगर आप कहीं से भी रैंडमली उठा के पकड़ के पढ़ने लगेंगे तो आपको समझ में क्या आएगा, सिर्फ आपको उसका ढांचा समझ में आएगा, यानी उसका बेसिक बार का जो पिन डायग्राम है और ये है वो है, वही समझ में आएगा। लेकिन फंक्शन एग्जैक्टली कैसे करता है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जहां से बिगिन होता है इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होना, वहां से चलना पड़ेगा। तो ये कहां से बिगिनिंग होता है, इस यहां से। ये क्या है, इसको कहते हैं रजिस्टर सेलेक्ट। रजिस्टर सेलेक्ट का मतलब क्या हो गया, माइक्रो प्रोसेसर के अंदर कुछ मेमोरी होता है, कुछ छोटा सा अपना मेमोरी होता है, जिसमें माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है, अपने ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए उस मेमोरी को का हेल्प लेता है। जैसे मान लीजिए हमको ऐड करना है 4+3, ठीक है, तो माइक्रो प्रोसेसर को मैंने कहा कि ऐड करो इसको, 4+3 को ऐड करो, तो माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, इस डेटा को लेगा, तो डेटा वो कहीं रखेगा बिना अंदर में कहीं, अपने अंदर कहीं स्टोर करेगा, तभी तो ऐड करेगा, कि हवा में रखे रहेगा इसको और ऐड हो जाएगा, नहीं ना। तो माइक्रो प्रोसेसर कोई भी ऑपरेशन, अगर ऐड का ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहता है, तो पहले ये इनपुट डेटा जो मिलेगा 4 और 3, यूजर जो इनपुट डेटा हमको दे रहा है, तो उसको माइक्रो प्रोसेसर कहीं ना कहीं ले जाके स्टोर करेगा। तो ये स्टोर जहां पे करता है, दैट्स कॉल्ड रजिस्टर। ये क्या कहलाता है, इसको कहते हैं हम लोग रजिस्टर में ले जाके स्टोर करेगा। अब रजिस्टर कौन सा है, तो रजिस्टर माइक्रोप्रोसेसर में 2 तरह का होता है, एक को कहते हैं स्पेशल पर्पस रजिस्टर और एक को कहते हैं जनरल रजिस्टर। तो जनरल रजिस्टर कौन कौन होता है, तो जनरल रजिस्टर के अंदर आता है बी सी डी ई एच एल एंड एक्यूमुलेटर। ओके, एक्यूमुलेटर ये है, तो बताइए 6 रजिस्टर जो है वो यहां है, एक साथ है, लेकिन एक्यूमुलेटर को अलग से दिखाया गया। क्यों, क्योंकि एक्यूमुलेटर जो होता है किसी भी माइक्रोप्रोसेसर का सबसे स्पेशल रजिस्टर होता है। सबसे स्पेशल रजिस्टर क्यों कहला रहा है ये, तो इसको स्पेशल में क्यों नहीं रखा, इसको जनरल में क्यों रखा, बात ये भी है कि अभी मैंने कहा कि माइक्रो प्रोसेसर में 2 तरह का रजिस्टर होता है, एक को कहते हैं जनरल पर्पस रजिस्टर, ठीक है, एक को क्या कहते हैं, जनरल पर्पस रजिस्टर। ओके, और दूसरे को कहते हैं स्पेशल रजिस्टर। तो स्पेशल रजिस्टर तो एक्यूमुलेटर को भी स्पेशल ही में रखना चाहिए था, इसको जनरल में क्यों रखा, तो जनरल में इसलिए रखा क्योंकि ये जनरल पर्पस रजिस्टर जितना भी है सब 8 बिट का है,
ठीक है, जनरल पर्पस रजिस्टर जिसको कह रहे हैं हम लोग, सब कितने बिट का है, 8 बिट का है। जैसे बी बात करेंगे तो बी में 8 बिट डेटा स्टोर होगा, सी भी 8 बिट डेटा को स्टोर करेगा, डी भी, ई भी, एच भी, एल भी, ओके, ए भी क्या करेगा, 8 बिट डेटा को स्टोर करेगा। तो फिर ए थोड़ा इन लोगों से अलग क्यों है? तो ए एक ऐसा रजिस्टर है माइक्रो प्रोसेसर के लिए जो सबसे ज्यादा यूज होता है, इसका नाम है एक्यूमुलेटर। इस रजिस्टर का नाम क्या है? एक्यूमुलेटर। तो ये सबसे ज्यादा कैसे यूज होगा, सिंपली हम लोग देख लें कि कैसे यूज होगा। तो कोई भी ऑपरेशन अगर होता है माइक्रो प्रोसेसर का, तो माइक्रो प्रोसेसर को दो ऑपरेंड दिया जाता है, यानी कहने का मतलब कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है तो पहले बताया था कि ये ऑपरेशन परफॉर्म करो। जैसे मैंने कहा कि माइक्रो प्रोसेसर को ऑपरेशन परफॉर्म करना है ऐड, ऐड को ऑपरेशन परफॉर्म करना है, और साथ में कहा गया किसको ऐड करना है, 3 और 2 को ऐड करना है, 3+2 ना लिखे लिखेंगे 3, 2, ठीक है। तो कहा गया कि 3 और 2 को ऐड करो, माइक्रो प्रोसेसर को मैंने ये इंस्ट्रक्शन दिया। तो ये जो पहला है, जो निमोनिक्स है, ये क्या है, हम लोग पढ़ा अभी कि असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग में हम लोग प्रोग्राम करते हैं माइक्रो प्रोसेसर को। तो ये जो निमोनिक्स जो पहला है ऐड लिखा हुआ है, दिस इज कॉल्ड ऑप कोड, ये कहलाता है ऑप कोड। इसका फुल फॉर्म होता है ऑपरेशन कोड, यानी किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए एक शॉर्टकट में उसका कोड लिखा हुआ है। सब्सट्रैक्ट के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, SUB, तो ये कहलाएगा ऑप कोड ऑफ सब्सट्रैक्शन, ठीक है। तो ये कहलाता है ऑप कोड, और इसके बाद जो लिखा होता है वो कहलाता है ऑपरेंड, ठीक है, वो क्या कहलाता है, ऑपरेंड। तो जब भी हम कहेंगे ऑपरेंड तो मतलब ये ऑप कोड के बाद वाला, ठीक है, और जब कहेंगे ऑप कोड मतलब जो ऑपरेशन परफॉर्म करना है उसका कोड, ओके। तो ऑप कोड का मतलब ये, ऑपरेंड का मतलब ये, क्लियर हो गया। तो देखिए ऑप कोड एक है सिंपल, ऑप कोड क्या है, सिंपली पहले बताता है कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, दैट्स कॉल्ड ऑप कोड, ठीक है। ऑपरेंड क्या बताता है, ये ऑपरेशन जो परफॉर्म करना है किसके ऊपर परफॉर्म करना है, तो ये जो डेटा गिवन होता है दैट्स कॉल्ड ऑपरेंड। तो देखिए यहां पे क्या होगा, हमेशा दो डेटा गिवन होता है, पहला डेटा एंड दूसरा डेटा, ये इसको कहेंगे फर्स्ट ऑपरेंड और इसको कहेंगे सेकंड ऑपरेंड। तो फर्स्ट ऑपरेंड का जो भी वैल्यू होता है वो बाय डिफॉल्ट किस में जाता है, एक्यूमुलेटर के अंदर जाता है, ठीक है। जब माइक्रो प्रोसेसर में हम लोग कोई भी इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म करेंगे तो अगर उसमें 2 ऑपरेंड है या 3 ऑपरेंड है या एक ही भी ऑपरेंड है, तो कोई भी अगर पहला ऑपरेंड जो फर्स्ट ऑपरेंड होता है वो किसके अंदर जाता है, उस वो किसके अंदर स्टोर होता है, जाके एक्यूमुलेटर के अंदर स्टोर होता है। और जब ये सेकंड वाला क्या है, सेकंड आप किसी में भेज दीजिए, बी में भेज दीजिए, सी में, डी में, ई में, एच में, एल में, किसी में भी आके स्टोर कर दीजिए सेकंड को, उससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन फर्स्ट वाला जो होता है वो हमेशा बाय डिफॉल्ट एक्यूमुलेटर के अंदर जाके स्टोर होता है, ओके। तो हम लोग समझ गए कि एक्यूमुलेटर क्या है, एक मतलब कि माइक्रो प्रोसेसर के लिए बहुत ही खास रजिस्टर है 8 बिट का, जो हर एक ऑपरेशन के फर्स्ट ऑपरेंड को स्टोर करता है। दूसरा काम क्या है इसका, कि अगर ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा, ऑपरेशन जब कंप्लीट हो जाता है, जैसे इन दोनों का एडिशन करना है, तो ये एडिशन जब कंप्लीट हो जाएगा तो ये क्या करेगा, सिंपली इसके रिजल्ट को कहां ले जाके स्टोर करेगा, तो रिजल्ट को वापस एक्यूमुलेटर में स्टोर करेगा, ओके। यानी कोई भी ऑपरेशन अगर पहले जब परफॉर्म होता है तो उसका फर्स्ट ऑपरेंड किस में स्टोर होता है, एक्यूमुलेटर में, और उसके बाद ऑपरेशन होता है, ओके। जब ऑपरेशन कंप्लीट हो जाता है तो उसका रिजल्ट किस में ले जाके स्टोर होता है, तो रिजल्ट भी वापस जाके एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाता है। तो पहले वाला जो ऑपरेंड का जगह इसमें अंदर था, ऑपरेंड जो रखा हुआ था वो हट जाएगा, और अब क्या हो जाएगा, इसके अंदर रिजल्ट जाके स्टोर हो जाएगा, यानी जो ऑपरेशन होने के बाद जो रिजल्ट मिला मुझे वो रिजल्ट जाके इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि एक्यूमुलेटर ये क्यों इंपॉर्टेंट है इस माइक्रो प्रोसेसर के लिए, ओके। तो एक्यूमुलेटर का बहुत ही स्पेशल काम है, दो काम बता दिया मैंने, कि पहला ये क्या करता है, एक मतलब फर्स्ट ऑपरेंड को स्टोर करता है, और दूसरा काम क्या है कि जब ऑपरेशन परफॉर्म हो जाता है तो ये क्या करता है, उसके रिजल्ट को ले आके एक्यूमुलेटर में स्टोर कर देता है। दो काम हो गया, बाकी ये BCDEHL क्या कर रहा है, ये किसी भी 8-bit डेटा को स्टोर करने के लिए ये क्या है, जनरल पर्पस रजिस्टर है जो 8-bit डेटा को स्टोर करता है। BCDEHL क्या है ये, अब ये कभी कभी 8-bit एज ए सिंगल जब लिखेंगे हम लोग कि बी में क्या स्टोर करना है, तो कोई भी 8-bit डेटा 32H को हमको बी में स्टोर करना है, तो ये 8-bit डेटा को स्टोर कर लेगा। लेकिन अगर यही कहें कि BCDEHL, तो ये पेयर हो गया, ये बी और सी मिलके एक साथ मिल गया तो ये कहला गया BC, तो बी 8-bit डेटा को स्टोर करता है, सी भी 8-bit डेटा को स्टोर करता है, टोटल कितना हो गया 16-bit, ओके। टोटल डेटा कितना हो गया 16-bit को स्टोर करेगा। तो ये दोनों जब दो रजिस्टर आपस में कंबाइन होता है तो ये बनाता है रजिस्टर पेयर, और ये किस लिए बनता है, ताकि 16-bit डेटा को होल्ड कर सके ये, ओके। तो रजिस्टर पेयर कौन हो गया, बीसी हो गया, डी हो गया, एचएल हो गया। तो आप बोलिए सर बीडी क्या रजिस्टर पेयर हो सकता है, BD DH ऐसा हो सकता है, नहीं, ये जिस फॉर्म में जिस सीक्वेंस में लिखा हुआ है उसी का पेयरिंग होगा, यानी बीसी के साथ है तो बीसी,
डीई के साथ है, डी एच एल के साथ रहेगा, हमेशा ये इसी के साथ रहेगा, और ये दोनों जब कंबाइंड में आएगा तो इसका नाम हो जाएगा रजिस्टर पेयर, और ये क्या करेगा 16 बिट डेटा को स्टोर करेगा। तो ये सारा मैं बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं अभी फिलहाल, और उसके बाद हम लोग फाइनली पहला ऑपरेशन जब हम लोग समझा देंगे तो समझिए कि एक ऑपरेशन समझ गए तो पूरा आर्किटेक्चर आप समझ गए। तो आर्किटेक्चर यानी माइक्रोप्रोसेसर के आर्किटेक्चर को समझने के लिए ये आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जरूरी है, यानी कि आपका अगर बेस सही है तो सब चीज सही है। तो देखिए, तो यहाँ पे क्या है कि हम लोग समझ गए इसको, बी सी डी एच एल को समझ गए, एक्युमुलेटर को समझ गए कि क्या होता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं प्रोग्राम काउंटर और स्टैक पॉइंटर। पीसी का मतलब हो गया प्रोग्राम काउंटर और एसपी का मतलब हो गया स्टैक पॉइंटर। ओके, तो प्रोग्राम काउंटर का काम मैंने क्या बताया था कि अगर मान लीजिए कोई आपका मेमोरी है, जैसे मैंने पीछे ड्रा किया अभी आपको, मेमोरी में क्या हो जाएगा, ये एड्रेस है 1001 और ये उसका डेटा है। ओके, उसी तरह से ये क्या है, एड्रेस है 1002 और ये इसका डेटा है, ठीक है। तो ये इंस्ट्रक्शन कहलाता है, मेमोरी में बताया कि ये इंस्ट्रक्शन कहलाता है और ये क्या कहलाता है, एड्रेस कहलाता है। ओके, तो देखिए ये आपको शायद दिखे नहीं, यहाँ पे ये मैंने लिखा, इधर लिखा है, एक सेकंड इसको उसी पे चलकर बनाते हैं। तो देखिए इसमें हम लोग क्या देखे थे कि ये चीज जो देखा था, ये एड्रेस था, ये क्या आपका डेटा था। तो इसी चीज को हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहला काम किया कि जैसे मैंने एक प्रोग्राम लिया कि व्हाट्सएप को ओपन करो, तो व्हाट्सएप को ओपन करने के लिए हम लोग व्हाट्सएप पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद क्या हो गया, जो व्हाट्सएप का प्रोग्राम लिखा हुआ था वो कहाँ पे लिखा हुआ था, किस मेमोरी लोकेशन में लिखा हुआ था, 1001 पे लिखा हुआ था। तो सबसे पहला काम क्या होगा, माइक्रोप्रोसेसर क्या करेगा, माइक्रोप्रोसेसर के पास कौन सा इंस्ट्रक्शन आएगा, तो माइक्रोप्रोसेसर के पास 1001 जो पहला इंस्ट्रक्शन का जो सबसे पहला एड्रेस है वो आएगा, और माइक्रोप्रोसेसर किसमें इस एड्रेस को स्टोर करेगा, प्रोग्राम काउंटर में, ठीक है। तो यानी प्रोग्राम काउंटर का काम क्या होता है, सिंपली अगर हम बात करें कि प्रोग्राम काउंटर का काम क्या होता है, तो प्रोग्राम काउंटर का काम होता है कि एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट होने वाला है उसके एड्रेस को सबसे पहले किसमें लाते हैं हम लोग, प्रोग्राम काउंटर के अंदर माइक्रोप्रोसेसर ले आता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका एड्रेस यानी इस मेमोरी का एड्रेस इस प्रोग्राम काउंटर में आके स्टोर हो जाएगा। ये कितने बिट का एड्रेस होगा, 16 बिट का एड्रेस होगा, ठीक है, 16 बिट का एड्रेस होगा। तो ये 16 बिट क्या हो जाएगा, देखिए नीचे में क्या है, एक एड्रेस बफर है, एक डेटा एंड एड्रेस बफर है। ओके, तो ये क्या होगा, 8 बिट इधर जाएगा और 8 बिट इधर जाएगा, एड्रेस है तो 8 बिट इधर 8 बिट इधर, ठीक है। तो अब क्या है, माइक्रोप्रोसेसर का ये सबसे इंपॉर्टेंट जो माइक्रो, देखिए जैसे हम बात किया कि किसी भी कंप्यूटर का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है माइक्रोप्रोसेसर, यानी ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं माइक्रोप्रोसेसर को, ठीक है। लेकिन माइक्रोप्रोसेसर का ये पूरा आर्किटेक्चर है, यानी माइक्रोप्रोसेसर ये सब मिलकर माइक्रोप्रोसेसर बनाता है। तो माइक्रोप्रोसेसर का भी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन होगा, तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है टाइमिंग एंड कंट्रोल सर्किट। माइक्रोप्रोसेसर का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, यानी कि ब्रेन ऑफ ब्रेन, माइक्रोप्रोसेसर क्या ऑलरेडी ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है, और क्या कह रहे हैं उसके अंदर उसका मतलब माइक्रोप्रोसेसर का भी ब्रेन, तो माइक्रोप्रोसेसर का ब्रेन कौन है, टाइमिंग एंड कंट्रोल सर्किट होता है। ये टाइमिंग एंड कंट्रोल सर्किट को ब्रेन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये कोई भी इंस्ट्रक्शन जब एग्जीक्यूट करना होता है तो जैसे ही डिकोड होने के बाद, यानी इंस्ट्रक्शन देखिए पहले हम बताएं कि इंस्ट्रक्शन कैसे यहाँ पहुंचता है, कैसे डिकोड होता है, यानी जैसे ही माइक्रोप्रोसेसर को पता चलता है कि ये काम करना है, तो ये काम करने के लिए किसके पास आता है, टाइमिंग एंड कंट्रोल सर्किट के पास आता है मैसेज, ये काम को परफॉर्म करना है, जैसे एडिशन करना है तो एडिशन को परफॉर्म करना है। तो अब ये टाइमिंग एंड कंट्रोल सर्किट क्या होता है, सबसे कनेक्ट होता है, हर एक से कनेक्ट होता है, ये एलयू से भी कनेक्ट होता है, इंटरप्ट से भी कनेक्ट होता है, ये रजिस्टर अरे से भी कनेक्ट होता है, ये इससे भी कनेक्ट होता है, ये सीरियल एंड इनपुट आउटपुट पोर्ट से भी कनेक्ट होता है, ये एड्रेस बफर से भी कनेक्ट होता है, ये इसका कनेक्शन पूरे में है हर एक से, ये डेटा बस से भी कनेक्टेड है, ये सबसे कनेक्टेड है, ठीक है। लेकिन हम इतना कनेक्शन नहीं दिखा सकते क्योंकि पूरा क्या हो जाएगा, आर्किटेक्चर गंदा हो जाएगा, समझ में नहीं आया क्या हो रहा नहीं हो रहा। लेकिन आपको ये बेसिक पता होना चाहिए कि जो ये टाइमिंग एंड कंट्रोल सर्किट है वो क्या होता है, हर एक से कनेक्ट होता है, जितना भी आपका माइक्रोप्रोसेसर के अंदर जितना भी ब्लॉक बना हुआ है हर एक ब्लॉक से किसका कनेक्शन होता है, आपके टाइमिंग एंड कंट्रोल सर्किट का कनेक्शन होता है। और ये क्या करता है, ये सबको इंस्ट्रक्शन देता है, जैसे ही इसको मैसेज मिला कि ऐड का ऑपरेशन परफॉर्म करना है और 3 और 4 को ऐड करना है, ओके, इसको मैसेज मिला यहाँ पे, ये समझ गया कि ये काम करना है, एडिशन करना है, तो ये बोलेगा किसको, पहले एक्युमुलेटर को बोलेगा कि अपना डेटा बताओ क्या है तुम्हारे पास। तो एक्युमुलेटर में क्या आता है, हमेशा पहला ऑपरेंड आता है, ठीक है, पहला ऑपरेंड आता है, तो पहला ऑपरेंड इसमें क्या आ जाएगा, 3, तो एक्युमुलेटर बोलेगा कि मेरे पास 3 है, ठीक है। फिर ये बोलेगा कि 4 किसके पास है, तो 4 कहाँ होता है, ये टेम्पोररी रजिस्टर में होता है, इस सारा जो रजिस्टर है बी सी डी एच एल जनरल पर्पस उसमें से किसी एक के पास स्टोर होता है, ओके, सेकंड ऑपरेंड। तो यहां से क्या करेगा, वो अपना ऑपरेंड को भेजेगा, ये दोनों यहां आएगा टेम्पोररी रजिस्टर में, आपका सेकंड का वैल्यू आ जाएगा, सेकंड ऑपरेंड का, ये दोनों आपस में मिलेगा और इस किसको देगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को देगा। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का काम क्या होता है, एडिशन सब्सट्रैक्शन परफॉर्म करना, यानी अर्थमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करना।
चाहे एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, एंड ऑपरेशन, और ऑपरेशन, रोटेट, जो भी मतलब जो भी अर्थमेटिक है या फिर लॉजिकल ऑपरेशन उसको ये परफॉर्म करता है। तो अभी ये एडिशन करेगा, एडिशन करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो यहां से निकल के फिर से क्या हो जाएगा, डेटा बस में चला जाएगा ऊपर, ठीक है, यहां से निकल के डेटा बस में ऊपर चला जाएगा। और ये रिजल्ट फिर कहां आएगा, फिर से रिजल्ट को आके एक्यूमुलेटर में स्टोर कर देना होगा, क्योंकि हवा में डेटा बस में घूमता तो नहीं रहेगा रिजल्ट, तो रिजल्ट कहां स्टोर होता है, मैंने बोला था कोई भी ऑपरेशन जब परफॉर्म होता है तो दो काम होता है, पहले पहले सबसे पहला काम क्या होता है, ऑपरेंड यानी पहला ऑपरेंड जो है वो एक्यूमुलेटर में स्टोर होता है, और दूसरा काम क्या होता है एक्यूमुलेटर का, कि जो रिजल्ट आता है उसको वापस एक्यूमुलेटर में जाके स्टोर करता है। तो जो रिजल्ट एएलयू देगा वो निकल के फिर कहां जाएगा, एक्यूमुलेटर में जाके स्टोर होगा। तो ये सारा ऑपरेशन मतलब स्टार्ट करने के लिए टाइमिंग एंड कंट्रोल सर्किट क्या करता है, सबको सिग्नल भेजता है, किसको सिग्नल भेजता है, जिसका जिसका काम है, जैसे अभी काम किसका था, एक्यूमुलेटर का काम था, टेम्पोररी रजिस्टर का काम था, एएलयू का काम था, फिर उसके बाद यहां से निकलने के बाद क्या हुआ, एक्यूमुलेटर में स्टोर करना था वापस। तो ये सारा ऑपरेशन को सिग्नल कौन भेजता है, ये टाइमिंग एंड कंट्रोल सर्किट भेजता है कि आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है। जैसे हमारे बॉडी में दिमाग है, ब्रेन है, ठीक है, हम अभी ये पेन चला रहे हैं, ठीक है, तो पेन मेरा हाथ चला रहा है, लेकिन इसको इंस्ट्रक्शन कौन दे रहा है, दिमाग मेरा, ब्रेन दे रहा है कि पेन चलाइए, इसको यहाँ पे सर्किल कीजिए, इसको यहाँ पे सर्किल कीजिए, इसको ए लिखिए, इसको बी लिखिए, कोई चीज मैं उठाया हुआ हाथ में, तो उठाने का इंस्ट्रक्शन कौन दे रहा है, काम तो कर रहा है मेरा हाथ, ठीक है, उठाने का काम कौन कर रहा है, हाथ कर रहा है, लेकिन उसको इंस्ट्रक्शन कौन दे रहा है, तो ये ब्रेन दे रहा है। तो ठीक उसी तरह से ये माइक्रो प्रोसेसर का पूरा जो आर्किटेक्चर है वो किस पर डिपेंड करता है, कौन उसको इंस्ट्रक्शन देता है, तो वो देता है टाइमिंग एंड कंट्रोल सर्किट। ये सारे ब्लॉक को इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है कि किस ब्लॉक को क्या काम करना है। अगर कोई भी यूजर आपको कोई मतलब मैं ऐसे यूजर हूं और मैं कोई इंस्ट्रक्शन देता हूं किसको, मतलब मैं कोई ऑपरेशन करना चाहता हूं, जैसे मैंने बताया मोबाइल में व्हाट्सएप खोलना चाहता हूं, तो मैंने एक ऑपरेशन के लिए माइक्रो प्रोसेसर को कह दिया कि मुझे व्हाट्सएप ओपन करना है। अब व्हाट्सएप ओपन करना है तो ये पूरा ऑपरेशन जो परफॉर्म होगा व्हाट्सएप ओपन करने के लिए वो किसके थ्रू होगा, एक एक ब्लॉक उसमें पार्टिसिपेट करेगा, लेकिन सबको कंट्रोल कौन करेगा, सबको इंस्ट्रक्शन कौन देगा, कौन एक्टिव होगा, कौन इनएक्टिव होगा, कौन काम करेगा, कौन नहीं करेगा, वो कौन देगा, टाइमिंग एंड कंट्रोल सर्किट। ओके, तो ये इतना इंपॉर्टेंट सर्किट रही है। अब हम लोग एक इंस्ट्रक्शन को लेंगे और ये कंप्लीट एग्जीक्यूशन इसके अंदर देखेंगे कि कैसे इसका एग्जीक्यूशन हो रहा है। ओके, तो चलिए एक इंस्ट्रक्शन को हम लोग कंसिडर, जो हम लोग एडिशन का सबसे बेसिक ऑपरेशन जो है एडिशन का, सिर्फ ये नहीं है कि मैं आपका माइक्रोप्रोसेसर सिर्फ एडिशन ही करता है, ठीक है, ये सब्ट्रैक्शन भी करेगा, मल्टीप्लिकेशन, यानी ऑल ऑपरेशन, अर्थमेटिक, लॉजिक ऑपरेशन, रीड राइट, ये वो, रोटेट, मूव, सब कुछ करेगा ये। लेकिन हम एक बेसिक, सबसे बेसिक इंस्ट्रक्शन को लेकर चल रहे हैं और उसको दिखा रहे हैं कि एग्जीक्यूशन कैसे होता है। तो मैंने क्या कहा कि सिंपली मेमोरी के अंदर जो एड्रेस होता है वो कितने बिट का होता है, 16 बिट का होता है, और उसका एड्रेस का लोकेशन कौन, सबसे पहला जो एड्रेस होता है, यानी मान लीजिए 1001H है, और इसके अंदर जो डेटा है, डेटा का मतलब क्या हो गया, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अभी कि मुझे व्हाट्सएप को ओपन करना है, तो व्हाट्सएप ओपन करने के लिए क्या क्या ऑपरेशन होगा, तो वो क्या है, एक प्रोग्राम के फॉर्म में लिखा होगा, एक प्रोग्राम होगा ना, यानी ओपन करने हर चीज का प्रोग्राम होता है। आपको माइक्रोप्रोसेसर काम कैसे करता है, विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग, यानी प्रोग्रामिंग के थ्रू यूजर क्या करता है, माइक्रोप्रोसेसर को इंस्ट्रक्शन देता है कि ये काम करना है। अब जब माइक्रोप्रोसेसर में वो इंस्ट्रक्शन पहुंच जाता है, और इंस्ट्रक्शन पहुंचने के बाद जब ये कंट्रोल टाइमिंग एंड कंट्रोल सर्किट को समझ में आ जाता है कि ये काम करना है, तब ये बाकी ब्लॉक को क्या करता है, बाकी ब्लॉक को इंस्ट्रक्शन देता है कि तुम ये काम करो, तुम ये काम करो, तुम ये काम करो, और आउटपुट जल्दी से ये प्रोड्यूस करो। ओके, तो हम क्या कर रहे हैं एज ए यूजर, मैंने सिर्फ इतना ही कहा कि जो प्रोग्राम मैंने लिखा है व्हाट्सएप ओपन करने के लिए, जिसका लोकेशन है 1001H, उसको, उस लोकेशन को प्रोग्राम काउंटर में क्या होगा, जैसे ही हम लोग उस मतलब उस एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो इसका एड्रेस जो है किसमें आ जाएगा, प्रोग्राम काउंटर में आ जाएगा। जैसे ही आपने मोबाइल में उसको क्लिक किया तो फटाक से जो प्रोग्राम लिखा हुआ ओपन करने का, उसका एड्रेस किसमें आ गया, प्रोग्राम काउंटर में आ गया। प्रोग्राम काउंटर में आने के बाद ये क्या करेगा, प्रोग्राम काउंटर में जैसे ही एड्रेस पहुंचा तो सबसे पहले टाइमिंग एंड कंट्रोल सर्किट एक्टिव हो जाएगा, और टाइमिंग एंड कंट्रोल सर्किट क्या कहेगा, रीड, ये एक ऑपरेशन को, ये क्या बोलते हैं, ये सिग्नल जनरेट करेगा, सिग्नल जनरेट करेगा किसको, यहां आके इस मेमोरी लोकेशन को एक सिग्नल देगा रीड का, ये किसका, ये देगा रीड का सिग्नल देगा, रीड का सिग्नल देगा। तो इससे क्या होगा कि इसके अंदर जो प्रोग्राम लिखा हुआ है वो रीड होगा, ठीक है, इसके अंदर जो प्रोग्राम है वो कितने बिट का है, वो 8 बिट का प्रोग्राम है, ठीक है, क्योंकि वो मैक्सिमम क्या होता है, कोई भी डेटा जो लिखा होता है, कोई भी प्रोग्रामिंग जो हम लोग करते हैं वो किसके थ्रू डिकोड होता है, मतलब कैसे पास करता है, तो वो डेटा बस से पास करता है, और डेटा बस 8085 का कितने बिट का है, 8 बिट का है, तो ये 8 बिट के इंस्ट्रक्शन को लेगा। ओके, तो जब यहाँ पे ये देखिए ये क्या है, डेटा एंड एड्रेस बस है, तो देखिए जब भी हम बताया था कि डेटा बस जब बात करेंगे, डेटा का मतलब क्या है, डेटा आ भी सकता है, जा भी सकता है, यानी बाई डायरेक्शनल होगा,
डेटा बस क्या होगा आपको, बाई डायरेक्शनल होगा, जबकि एड्रेस क्या होता है, हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है। तो एड्रेस को हमेशा कौन रीड करता है, माइक्रोप्रोसेसर रीड करता है। जैसे अभी हम देखा इस एड्रेस को रीड करना था, तो इस एड्रेस को कौन रीड किया, ये टाइमिंग एंड कंट्रोल सर्किट सिग्नल दिया कि रीड ऑपरेशन। रीड ऑपरेशन का मतलब इस एड्रेस को रीड करो, और इस एड्रेस मतलब इस रीड करने का मतलब क्या, इस एड्रेस पे जाओ और इसके अंदर जो डेटा है, जो प्रोग्राम लिखा हुआ है, उसको लेकर आओ। ठीक है, उसको लेकर आओ। तो ये जब यहाँ पहुंचेगा, यानी प्रोग्राम काउंटर जैसे ही आपको ये एड्रेस लोकेशन को बताएगा, तो माइक्रोप्रोसेसर क्या करेगा, यहाँ जाके रीड ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। रीड ऑपरेशन करने के बाद इस पे लिखा हुआ प्रोग्राम को कहाँ लाएगा, जो आपका इंस्ट्रक्शन वहां पे लिखा हुआ है उसको यहाँ ले आएगा। ठीक है, डेटा एन एंड एड्रेस बफर में। ओके, यहाँ आने के बाद क्या होगा, ये 8-bit इंस्ट्रक्शन इस डेटा बस से होते हुए ऊपर जाएगा। ओके, ये क्या है, ये कौन सा इंस्ट्रक्शन है, ये 8-bit इंस्ट्रक्शन में क्या बताया जा रहा है, ये ओपन करने का प्रोग्राम है, यानी एप्लीकेशन को ओपन करने का प्रोग्राम है। तो ये कैसे एग्जीक्यूट होगा, ये इंस्ट्रक्शन इस डेटा बस से होते हुए ऊपर जाएगा। और ये देखिए, ये क्या है आपका, ये डेटा बस से लिखा हुआ है 8-bit इंटरनल डेटा बस, तो ये डेटा बस से होते हुए कहां पहुंचेगा, यहां पे पहुंचेगा, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में पहुंचेगा। ओके, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में पहुंचेगा। तो ये अंदर का जब प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में पहुंचेगा, तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में पहुंचने के बाद म्यूपी क्या करेगा, ये म्यूपी क्या करेगा, सबसे पहले इस इंस्ट्रक्शन को डिकोड करेगा। डिकोड करने का मतलब क्या है, जैसे 24, मैंने कहा कि 24 पहला क्या है प्रोग्राम का, यानी एड्रेस लोकेशन तो आपका 1001 है, और इसके अंदर जो प्रोग्राम लिखा हुआ 24 लिखा हुआ है, तो 24 का मतलब क्या हो गया 20010, 4 का मतलब क्या होगा 0100। ओके, तो ये चीज जब पता लगा कि इसके अंदर जो डेटा है वो इस तरह का डेटा रखा हुआ है, 8-bit डेटा रखा हुआ है, ठीक है, जो कि मशीन लैंग्वेज में इस फॉर्म में है। अब क्या है, जब ये डेटा बस से होते हुए ये वाला इंस्ट्रक्शन कहां पहुंचेगा, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में पहुंचेगा, तो यहां से यानी मेमोरी लोकेशन से निकलकर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में इसको पहुंचने में, यानी यहां से उठाकर यहां लाना क्या कहलाता है, फेचिंग कहलाता है। ठीक है, तो फेचिंग क्या होता है, सिंपली आपको पूछा जाएगा कि फेचिंग क्या होता है, तो फेचिंग होता है कि किसी भी लोकेशन पे जो आपका इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है उसको मेमोरी लोकेशन से रीड करके इंस्ट्रक्शन रजिस्टर तक ले आना, दिस इज कॉल्ड क्या, फेचिंग। ये पहला स्टेप है इंस्ट्रक्शन साइकिल का जो कहलाता है फेचिंग कहलाता है। ठीक है, यानी माइक्रो प्रोसेसर में किसी भी इंस्ट्रक्शन को मेमोरी लोकेशन से उठाकर कहां ले आना, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में ले आना, दैट्स कॉल्ड फेचिंग। अब क्या है, ये वाला इंस्ट्रक्शन कहां आ गया, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में आ गया, ये वाला जो इंस्ट्रक्शन है वो कहां आ गया, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में आ गया। तो अब इसको जब मिला है, मतलब माइक्रो प्रोसेसर के इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में जब आया 0010100, तो अब इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या करेगा, इसको समझेगा कि भाई ये क्या करना है, कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ठीक है, यानी ये क्या करेगा, माइक्रो प्रोसेसर इसके अंदर देखेगा कि इस कोड से उसके पास क्या ऑपरेशन को इंडिकेट किया गया है। मैंने बताया था ना कि आपको हर जैसे निमोनिक्स जो लिखा हुआ, जैसे ऐड, टोटल माइक्रो प्रोसेसर में कितना इंस्ट्रक्शन बताया था कि है 246 पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, जिसमें से माइक्रो प्रोसेसर कितने इंस्ट्रक्शन को मतलब कितना इंस्ट्रक्शन बनाया गया है, इंस्ट्रक्शन सेट 74 इंस्ट्रक्शन सेट बनाया गया, जिसमें से एक इंस्ट्रक्शन सेट आपका कौन है, वो है ऐड, दूसरा क्या है सब्ट्रैक्ट, उसी तरह से बहुत सारा इंस्ट्रक्शन सेट है। तो मान लीजिए इस इंस्ट्रक्शन का मतलब है, सपोज मान लीजिए इस इंस्ट्रक्शन का क्या मतलब है, इस इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या, एडिशन ऑपरेशन करवा, एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए कहा जा रहा है किसको, माइक्रो प्रोसेसर को। ठीक है, तो माइक्रो प्रोसेसर में सबसे पहले क्या हुआ, यहां से इस एड्रेस को क्या हुआ, एड्रेस पर पहुंचा और उसके इंस्ट्रक्शन को रीड किया। रीड करने के बाद जब इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में डेटा बस के थ्रू ये पहुंच गया, तो इस ऑपरेशन को यानी यहां से यहां तक लाने में जो ऑपरेशन परफॉर्म हुआ, इसको कहा फेचिंग, इसको क्या कहा, फेच, फेच ऑपरेशन। अब इंस्ट्रक्शन रजिस्टर को क्या करेंगे, डिकोड करेंगे। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या करेगा, इस इंस्ट्रक्शन को जो मशीन लैंग्वेज के फॉर्म में इसके पास पहुंचा है वो क्या होगा, डिकोडिंग होगा। तो डिकोडिंग करने के बाद टाइमिंग एंड कंट्रोल सर्किट क्या करेगा, इसको डिकोड करेगा। डिकोड करके समझेगा कि क्या करना है आखिर, मतलब यूजर ने भेजा तो जो है मशीन लैंग्वेज के फॉर्म में जो आपका इंस्ट्रक्शन भेजा है उस इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है। तो ये टाइमिंग एंड कंट्रोल सर्किट के पास पहले से लिस्ट बना हुआ है किसका, ऑल इंस्ट्रक्शन का, जो भी इंस्ट्रक्शन को माइक्रो प्रोसेसर को जो परफॉर्म करना है सारे इंस्ट्रक्शन का लिस्ट मिला हुआ है कि जब ये वाला आएगा तो ऐड करना है, जब ये मतलब 8-bit का इस तरह का डेटा आएगा तो ऐड करना है, जब मान लीजिए यहाँ पे आया चेंज हो गया कुछ डेटा आया तो सब्ट्रैक्ट करना है, जब कुछ और आया तो मूव करना है। तो ये अपने लिस्ट से मैच करेगा इस इंस्ट्रक्शन को।
आप इस इंस्ट्रक्शन को अपने लिस्ट से मैच करेगा और मैच करने के बाद देखिएगा कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तब इसको लिस्ट में मिल जाएगा कि ये जो इंस्ट्रक्शन है वो ऐड का है, यानी हमको एडिशन परफॉर्म करना है। तो ये कौन किसको समझ में आ रहा है, कौन डिकोड कर रहा है, ये टाइमिंग एंड कंट्रोल सर्किट जो है इंस्ट्रक्शन डिकोडर में डिकोड कर रहा है। ओके, तो इंस्ट्रक्शन डिकोडर में जब डिकोड हो जाता है तब ये मैसेज भेज दिया जाता है टाइमिंग एंड कंट्रोल सर्किट में आ जाता है कि भाई अब डिकोड करके समझ में आ गया कि इसको क्या करना है, एडिशन परफॉर्म करना है। ठीक है, तो देखिए सीक्वेंस इस तरह से एकदम सिंपल सीक्वेंस है, लेकिन मैंने इसको घुमा फिरा के थोड़ा सा इसलिए समझाया ताकि आपको एकदम बेसिकली समझ में आ जाए, बेसिक तरीके से समझ में आ। देखिए मैं इसको डायरेक्ट एक चीज समझाता हूं डायरेक्ट तरीके से। अब इतना जो काम हुआ, इतना प्रोसेस यानी कि फेचिंग हो गया, फेचिंग के बाद डिकोडिंग हो गया। ठीक है, तो देखिए फेचिंग और डिकोडिंग को सिंपली मैं ये समझते हैं कि इस एड्रेस को लेकर प्रोग्राम काउंटर, ये एड्रेस कहां पहुंचा, प्रोग्राम काउंटर पे। प्रोग्राम काउंटर ने इस इंस्ट्रक्शन को रीड किया, रीड करने के बाद कहां भेजा, इस डेटा बस से होते हुए ये कहां पहुंचा, इंटरनल डेटा बस में, और इंटरनल डेटा बस से कहां आया, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। तो ये क्या है, ये इंस्ट्रक्शन था जो कि 8 बिट के फॉर्म में था, यहां पे पहुंच गया। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का काम क्या था कि इसको, इस इंस्ट्रक्शन को यहां लाके स्टोर कर देना। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या करेगा, इस इंस्ट्रक्शन को इस एड्रेस से उठा के यहां पे लाके स्टोर कर लिया। अब क्या है, आगे डिकोडर होता है। तो डिकोडिंग का काम क्या होता है कि ये इंस्ट्रक्शन जो 8 बिट का हमको मिला है, जो मैंने लिखा कि 100101, ठीक है, इस तरह का इंस्ट्रक्शन जो 8 बिट का यहां पे आ गया, उसको डिकोड करके बताओ कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो ये काम कहां होता है, ये डिकोडर के अंदर होता है। डिकोडर क्या करता है, इस इंस्ट्रक्शन को डिकोड करता है और बताता है, किसको बताता है, टाइमिंग एंड कंट्रोल सर्किट को बताता है कि ये इंस्ट्रक्शन जो आया है वो एडिशन का इंस्ट्रक्शन है, यानी एड ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो जब टाइमिंग एंड कंट्रोल सर्किट को समझ में आ गया कि ये क्या है, एड इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म करना है, एडिशन करना है, तो अब ये एडिशन में क्या क्या लगेगा, तो सबसे पहला काम एडिशन में दो ऑपरेंड होगा। ठीक है, दो ऑपरेंड, एक ऑपरेंड तो बाय डिफॉल्ट किसमें स्टोर हो जाएगा, एक्यूमुलेटर में, दूसरा ऑपरेंड कहीं ना कहीं स्टोर होगा। तो जैसे कोई कमांड दिया जाएगा, निमोनिक जब लिखा होगा तो ऐसा लिखा होगा एड बी, ये एग्जैक्ट निमोनिक्स है, या ये एग्जैक्ट कह सकते हैं असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग है माइक्रोप्रोसेसर का 8085 का। ओके, कि एड बी, एड बी का मतलब क्या हो गया, एड द कंटेंट ऑफ बी, मतलब क्या करना है, बी रजिस्टर में जो भी कंटेंट है, मान लीजिए इसके अंदर स्टोर है 2, ओके, इसको उठाइए, और बाय डिफॉल्ट ये ऑपकोड के अंदर क्या होता है, एक्यूमुलेटर छिपा होता है। ठीक है, जिसमें पहला ऑपरेंड जो एक्यूमुलेटर जो होता है, मैंने कहा कि पहला ऑपरेंड जो है एड बी का मतलब कैसे, एडिशन कैसे होगा, सिंपली जब दो ऑपरेंड देंगे तभी ना एडिशन होगा, कि एक ही ऑपरेंड से एडिशन हो सकता है, कैसा हो सकता है कि एक ही ऑपरेंड रहे 3 एड हो जाए, किसके साथ एड होगा, कोई होगा तब तो। तो जो पहला ऑपरेंड होता है वो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, एक्यूमुलेटर के अंदर होता है। तो ये एड बी लिखने का मतलब क्या हो गया, कि एड के अंदर क्या है, एक्यूमुलेटर छिपा हुआ है, और एक्यूमुलेटर के अंदर क्या है, पहला ऑपरेंड है, पहला ऑपरेंड का मतलब 2 इसके अंदर स्टोर है ऑलरेडी, यानी आपके पास पता है कि एक्यूमुलेटर के अंदर आपके पास 2 स्टोर है, और बी के अंदर आपने क्या स्टोर किया, मान लीजिए 3 स्टोर किया, तो अब क्या है, 2 और 3 को ऐड करने का ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो टाइमिंग एंड कंट्रोल सर्किट को जब ये पता हो गया कि 2 मेरे पास कहां है, 2 रखा हुआ है एक्यूमुलेटर के अंदर, और 3 कहां रखा हुआ है, 3 जो रखा हुआ है रजिस्टर बी के अंदर रखा हुआ है। ओके, ये किसको पता हो गया, टाइमिंग एंड कंट्रोल सर्किट को पता चल गया ये चीज। ठीक है, अब क्या करेगा, वो एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहेगा। तो एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए वो किसको किसको इंस्ट्रक्शन देगा, और कैसे एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म होगा, तो देखिए, तो जब ये टाइमिंग एंड कंट्रोल सर्किट को पता चल गया कि एडिशन करना है, किसका किसका करना है, 2 और 3 करना है, 2 कहां लिखा हुआ है आपको एक्यूमुलेटर में, और 3 कहां है रजिस्टर बी में, तो रजिस्टर बी कहां है, तो ये क्या करेगा, रजिस्टर सेलेक्ट को पहले सेलेक्ट करेगा। पहला काम क्या करेगा, रजिस्टर यारे है, इसमें सारा रजिस्टर है, तो ये रजिस्टर सेलेक्ट में जाएगा और बी को कहेगा अपना वैल्यू रिलीज करो। बी को क्या इंस्ट्रक्शन देगा, अपना वैल्यू तुम रिलीज करो। तो बी में क्या स्टोर था, 3H, तो ये बी का जो इंस्ट्रक्शन होगा वो कहां से निकलेगा, ये हवा में उड़ के जाएगा, हवा में उड़ के चला जाएगा एक्यूमुलेटर में, ये हवा में उड़ के आ जाएगा यहाँ पे, कहां पे ऑपरेशन तो परफॉर्म होना है, एलयू के अंदर, यानी एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन जो परफॉर्म होना है वो किसके अंदर होगा, एलयू के अंदर। तो इस डेटा को एलयू के अंदर आना होगा ना, तो कैसे आएगा, उड़ के जाएगा, नहीं ना, तो वो किसी ना किसी बस से होते हुए जाएगा। बस क्या, वो जो रोड पे चलता है बस, वो बस पकड़ के जाएगा नहीं, बल्कि माइक्रोप्रोसेसर के अंदर वायर होता है जो डेटा या एड्रेस को कैरी करता है। तो ये वायर क्या करता है, डेटा को कैरी करता है। ओके, जब एड्रेस को कैरी करना होता है तो एड्रेस बस को यूज होगा, जब डेटा को कैरी करना होगा तो डेटा बस है होगा। ठीक है, और जब कंट्रोल सिग्नल को कैरी करना होता है तो कंट्रोल बस भी
इमिट होता है, ठीक है। तो अभी हम लोग बात करेंगे एड्रेस बस, डेटा बस और कंट्रोल बस के बारे में बात करेंगे। तो पहले हम लोग बेसिक समझ लेते हैं क्या हो रहा है। सिंपली टाइमिंग एंड कंट्रोल सर्किट सबसे कनेक्ट है। मैंने बताया कि टाइमिंग एंड कंट्रोल सर्किट क्या है, पूरे हर एक ब्लॉक से ये कनेक्टेड है, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करेगा, ये टाइमिंग एंड कंट्रोल सर्किट कहेगा रजिस्टर को, कहेगा रजिस्टर सेलेक्ट में जाएगा और बी रजिस्टर को सिलेक्ट करेगा और कहेगा तुम अपना वैल्यू रिलीज करो। तो बी क्या करेगा, अपना वैल्यू इस डेटा बस, देखिए यहाँ पे जो डेटा बस दिखाई दे रहा है, इस डेटा बस से होते हुए ये क्या करेगा, अपना वैल्यू रिलीज करेगा। ये वैल्यू कहाँ आएगा, ये वैल्यू यहाँ डेटा बस से होते हुए टेम्पोररी रजिस्टर में आके स्टोर होगा। क्यों, एक्यूमुलेटर का एक इनपुट टेम्पोररी रजिस्टर से आ रहा है, दूसरा इनपुट किससे आ रहा है, एक्यूमुलेटर से, सॉरी एएलयू का, एएलयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जो है उसका एक इनपुट किससे आ रहा है, टेम्पोररी रजिस्टर से, और दूसरा यूनिट किससे आ रहा है, यानी दूसरा ऑपरेंड किससे आ रहा है, एक्यूमुलेटर से। तो दोनों में वैल्यू आएगा तभी तो ये काम करेगा, ऑपरेशन करेगा, मैथमेटिकल ऑपरेशन यानी एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन करेगा। तो इसको दोनों ऑपरेंड मिलेगा तब तो पहला ऑपरेंड बी निकल के आ गया किसमें, तो बी निकल के जब आया तो ये क्या डेटा बस में रहेगा, कहीं जाके रखेगा तब ना, यानी माइक्रोप्रोसेसर कहीं ना कहीं इसको ले जाकर रखेगा तभी तो कहीं ऑपरेशन होगा। तो इसके लिए ये खाली डब्बा है टेम्पोररी रजिस्टर, यहाँ पे जो भी डेटा को पे ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है वो टेम्पोररी आके यहाँ पे स्टोर हो जाता है। तो ये थ्री जो बी का वैल्यू है वो आके कहाँ स्टोर हो जाएगा, इस टेम्पोररी रजिस्टर के अंदर आके स्टोर हो जाएगा, ओके। दूसरा जो यानी कि हम लोग क्या कहा, इंस्ट्रक्शन का क्या पूरा क्या इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ, लिखा हुआ इंस्ट्रक्शन एड बी। तो एड के अंदर बाई डिफॉल्ट क्या है, एक्यूमुलेटर छिपा हुआ है, और एक्यूमुलेटर के अंदर क्या वैल्यू छिपा हुआ है, टू एच छिपा हुआ है, ठीक है। तो एक्यूमुलेटर में पहले से पता है कि 2H एक्यूमुलेटर के अंदर है और 3H किस में आ गया, टेम्पोररी रजिस्टर में। तो अब टाइमिंग एंड कंट्रोल सर्किट एक्यूमुलेटर को कहेगा तुम अपना वैल्यू रिलीज करो, 2H को रिलीज करो। तो ये 2H को रिलीज करेगा, 2H और 3H दोनों कहां पहुंच जाएगा, ALU के अंदर पहुंच जाएगा, दोनों कहां आ जाएगा, ALU के अंदर पहुंच जाएगा। अब ALU का काम क्या है, ALU का काम है इन दोनों को ऐड कर देना। तो ALU क्या करेगा, 2 और 3 को ऐड करेगा, रिजल्ट आएगा 5, और 5 को ये क्या करेगा, ये डेटा बस से होते हुए यहां से क्या करेगा, रिजल्ट को ऊपर की तरफ किसमें भेज देगा, डेटा बस में भेज देगा, यानी यहां से रिजल्ट निकलेगा और किसमें चला जाएगा, डेटा बस में चला जाएगा। डेटा बस में आने के बाद फिर ये कहीं हवा में घूमता रहेगा या उड़ता रहेगा, नहीं, तो ये कहां पहुंचेगा, इसको कहीं ना कहीं जाके यानी इस रिजल्ट को 5 को कहीं ना कहीं जाके स्टोर होना होगा, तभी ना हम लोग देख पाएंगे कि हाँ भाई ये रिजल्ट आया है। तो ये रिजल्ट जैसे ही डेटा बस में आता है तो ये क्या करता है, एक्यूमुलेटर इसको वापस खींच लेता है, एक्यूमुलेटर इसको खींच के अपने पास ला के स्टोर कर लेता है। तो एक्यूमुलेटर का दो काम है कि पहला यानी कोई भी ऑपरेशन अगर हो रहा हो तो सबसे पहला ऑपरेंड को एक्यूमुलेटर अपने आप ला के अपने अंदर स्टोर कर लेता है, और जब ऑपरेशन कंप्लीट हो जाता है तो जो रिजल्ट आता है उसको ये अपने अंदर ला के स्टोर कर लेता है। तो 5 अब कहां आके स्टोर हो जाएगा, एक्यूमुलेटर के अंदर 5 आके स्टोर हो जाएगा, ओके। तो ये एडिशन का ऑपरेशन हुआ। तो जब ये एडिशन हो रहा होता है तब क्या होता है, इसके बाद मान लीजिए मैंने कहा कि ये जो मेमोरी लोकेशन जहां से एड्रेस उठाया था 1001, जहां से हम लोग एड्रेस उठाया था और ये प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना शुरू किया था, तो ये तो एक इंस्ट्रक्शन था, पहला, सिर्फ पहला इंस्ट्रक्शन को करने के लिए माइक्रोप्रोसेसर इतना काम करेगा, ओके। तो इसके बाद वाला इंस्ट्रक्शन भी तो कुछ होगा, उसके बाद वाला भी तो इंस्ट्रक्शन होगा, ऐसा थोड़ा है कि हम व्हाट्सएप ओपन करेंगे और छोड़ देंगे, हम उसके बाद भी तो करेंगे। तो ऑपरेशन ये क्या, ओपन होने वाला ऑपरेशन, जिसे मैंने बोला कि ऐड करना, तो सिर्फ ऐड ही थोड़े करना होगा, ऐड के बाद मान लीजिए सब्सट्रैक्ट करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा, जो भी ऑपरेशन करना होगा, तो उसके बाद भी तो आपका एड्रेस होगा, 1001 के बाद 1002 होगा, 1002 के बाद 1003 होगा, ठीक है, सो ऑन होगा। तो ये क्या है, उस टाइम में जब ये ऑपरेशन एडिशन का ऑपरेशन ALU कर रहा होता है, यानी ये सारा प्रोसेस, यानी आपका डेटा डेटा बस से निकल के टेम्पोररी रजिस्टर में आ रहा है, एक्यूमुलेटर का रजिस्टर, सॉरी एक्यूमुलेटर का डेटा एक्यूमुलेटर में आ गया, उसके बाद ये दोनों एडिशन हुआ, एडिशन के बाद ALU ने रिजल्ट प्रोड्यूस किया, रिजल्ट डेटा बस से होते हुए एक्यूमुलेटर जा रहा है, तो इतना सारा ऑपरेशन जब हो रहा है उस ड्यूरेशन में आपका प्रोग्राम काउंटर क्या बैठा रहेगा, तो नहीं, प्रोग्राम काउंटर का काम है कि जैसे ही ऑपरेशन स्टार्ट हो गया, यानी कि आप प्रोग्राम काउंटर क्या कर रहा है, एड्रेस देने के बाद वहां से जैसे ही इंस्ट्रक्शन को रीड करके भेज दिया डेटा बस में, तो अब ये क्या करेगा, बैठा नहीं रहेगा, वैसे ही सेकंड क्या करेगा, ये अब उसके बाद वाला इंस्ट्रक्शन को रीड करेगा, यानी पहला एड्रेस इसने क्या लोड किया था, 1001, अब दूसरा एड्रेस ये लोड कर लेगा फटाक से, वो क्या है, 1002। ये एक जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो कैसे, बार बार क्या हम लोग क्लिक करते रहेंगे, मतलब व्हाट्सएप को बार बार क्लिक करते रहेंगे कि बार बार इसके अंदर एड्रेस आएगा, नहीं, ये एड्रेस 1001 से 1002 तो कैसे हो गया, अपने से हो गया, नहीं, इसके अंदर एक फंक्शन लगा हुआ है जिसको कहते हैं इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, यहाँ लिखा हुआ है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, देखिए INR और इसको थोड़ा सा इरेज करके साथ दिखाता हूं, देखिए इसके अंदर लिखा हुआ है INR और DEC, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। तो ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट किसको करता है, ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट प्रोग्राम काउंटर के आपको
एड्रेस को करता है, ठीक है। प्रोग्राम काउंटर का एड्रेस को या तो ये इंक्रीज कर देता है या डिक्रीज कर देता है। तो अभी क्या है, जब भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो ये क्या करेगा, इंक्रीमेंट का काम करेगा। पहले 1001 एग्जीक्यूट हो गया तो अब ये क्या करेगा, एक इंक्रीज करके 1002, तो देखिएगा 1002 में कौन सा प्रोग्राम है, अब उसको एग्जीक्यूट करेगा। फिर क्या है, 1003 रीड करेगा, फिर 1004 रीड करेगा, सो ऑन, ये रीड करता जाएगा कब तक, जब तक ये खत्म ना हो जाए। ओके, तो डिक्रीमेंट का कहां यूज होगा, तो डिक्रीमेंट का यूज हम लोग देखेंगे जब हम लोग फ्लैग्स के बारे में बात करेंगे। ओके, फ्लैग्स के बारे में बात करेंगे और स्टैक के बारे में जब बात करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि वहां पर प्रोग्राम काउंटर का वैल्यू जो होता है वो डिक्रीमेंट भी होता है, ठीक है, यानी घटता भी है, जैसे बढ़ रहा भी वैसा घटेगा भी। तो अभी हम लोग उसके बारे में बाद में बात करेंगे, अभी फिलहाल हम लोग समझे कि एडिशन ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होता है और कैसे प्रोग्राम काउंटर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है। यानी एक इंस्ट्रक्शन जब इसको मिल गया तो एक इंस्ट्रक्शन तो यूजर देगा, पहला इंस्ट्रक्शन कौन देगा, यूजर इसको देगा, जिसके वजह से इसको पहला एड्रेस जो है इसके मेमोरी में, यानी इस प्रोग्राम काउंटर के मेमोरी में जो पहला एड्रेस आएगा वो बाई यूजर आएगा, हम लोगों के द्वारा, हम लोग करेंगे उसको क्लिक और उसके बाद उसमें चला जाएगा एड्रेस। लेकिन जब एक बार इसके अंदर पहला एड्रेस चला गया तो आगे का जो एड्रेस ये खुद ब खुद लेगा, इसके थ्रू, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेशन के थ्रू। तो ये आगे का एड्रेस को रीड करेगा, रीड करके क्या करेगा, जो भी प्रोग्राम है उसको एग्जीक्यूट करना शुरू करेगा, बारी बारी से एग्जीक्यूट करेगा, रिजल्ट को अकुमुलेटर में भेजा जाएगा। तो ये ऑपरेशन कंप्लीट ऑपरेशन हुआ आपका, ठीक है। ये आर्किटेक्चर का फुल फंक्शन मैंने बताया कि आर्किटेक्चर में कौन चीज क्या कर रहा है। आपसे अगर बोला जाए कि ये ब्लॉक आपने छोड़ दिया, मुझसे बोला जाए कि ये ब्लॉक आपने नहीं बताया, ये ब्लॉक आपने नहीं बताया, तो ये ब्लॉक को मैं आगे जाके एक्सप्लेन करूंगा। अभी सिर्फ इतना ही समझ लीजिए, ये इंटरप्ट कंट्रोल का ब्लॉक है और ये सीरियल इनपुट आउटपुट का ब्लॉक है। तो इंटरप्ट कंट्रोल का क्या काम होता है कि सिंपली अगर बीच में ऑपरेशन हो रहा हो और कोई प्रॉब्लम आ जाए, जैसे ये ऑपरेशन हो रहा है, अचानक से यूजर ने व्हाट्सएप को बंद कर दिया, जैसे ही एग्जीक्यूशन हुआ था कि व्हाट्सएप ओपन करो, ओपन करते करते अचानक से नहीं व्हाट्सएप बंद करो, अब मुझे फेसबुक ओपन करना है, तो बीच में ही बंद कर दिया और तुरंत फेसबुक की तरफ चला गया। तो अब क्या है, बीच में जब बंद कर दिया तो कोई ना कोई इंटरप्ट सिग्नल जनरेट हुआ कि नहीं भाई अब व्हाट्सएप को ओपन नहीं करना, एग्जीक्यूशन नहीं करना, इसको ओपन नहीं करना, बंद कर दो इसको, और बल्कि क्या करो, अब फेसबुक को ओपन करो। तो ये सिग्नल भेजता है किसको, ये इंटरप्ट सिग्नल जनरेट होता है और ये भेजता है किसको, टाइमिंग एंड कंट्रोल सर्किट को, कहता है कि वेट कीजिए, अभी रुक जाइए, अभी एग्जीक्यूशन मत कीजिए, क्यों, क्योंकि बीच में यूजर ने क्या किया, बंद कर दिया है, अब ये इंटरप्ट आ रहा है, तो इस इंटरप्ट को क्या करेगा, टाइमिंग एंड कंट्रोल सर्किट देखेगा किस टाइप का इंटरप्ट है। तो देखेगा कि इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूशन को रोकने का इंटरप्ट है और दूसरे इंस्ट्रक्शन को ओपन करने का है। तो ये क्या करेगा, जहां जहां ऑपरेशन हो रहा था, मान लीजिए एडिशन का ऑपरेशन चल रहा था, तो ये एक्यूमुलेटर को भी रोक देगा, टेम्पोररी रजिस्टर को भी रोक देगा, एलयू को भी भेज देगा सिग्नल की स्टॉप हो जाओ, सारे को क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा, और फिर से अब जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन यूजर ने दिया उस पर काम करना शुरू कर देगा। ओके, तो ये पूरा ऑपरेशन इस तरह से परफॉर्म होता है। तो अब देखिए, सबका तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, टाइमिंग एंड कंट्रोल सर्किट के बारे में बताया, ये सबसे इंपॉर्टेंट ब्लॉक है पूरे माइक्रोप्रोसेसर का, इसको कहते हैं ब्रेन ऑफ ब्रेन, यानी सिंपली कह सकते हैं कंप्यूटर के बारे में बात किया तो भाई कंप्यूटर का जो ब्रेन होता है वो सीपीयू होता है या माइक्रोप्रोसेसर होता है, लेकिन माइक्रोप्रोसेसर का भी जो ब्रेन होता है वो क्या होता है, टाइमिंग एंड कंट्रोल सर्किट होता है, जो पूरे आर्किटेक्चर को कंट्रोल करता है, किसको क्या काम करना है वो कौन डिसाइड करता है, टाइमिंग एंड कंट्रोल सर्किट डिसाइड करता है। ओके, तो हम लोगों ने सबके बारे में पढ़ लिया, एक्यूमुलेटर के बारे में पढ़ लिया, टेम्पोररी रजिस्टर के बारे में पढ़ लिया, एलयू के बारे में पढ़ लिया, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के बारे में पढ़ा, डिकोडर में क्या होता है वो पढ़ा, ये रजिस्टर के बारे में पढ़ा, स्पेशल पर्पस रजिस्टर और जनरल पर्पस रजिस्टर के बारे में पढ़ा, डेटा बस एड्रेस बस पढ़ा, ये सब पढ़ लिया। अब देखिए, एक क्या है, एक चीज छोड़ रहा हूं मैं स्टैक पॉइंटर और एक छोड़ रहा हूं अभी फ्लैग्स, ये दोनों मुझे आगे बताना है, तो हम लोग इन दोनों के बारे में अपने नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, ये फ्लैग का काम क्या होता है और ये स्टैक पॉइंटर का काम क्या होता है। तो अभी बेसिकली हम फ्लैग को इस तरह से कह सकते हैं कि फ्लैग क्या करता है, इस मैथमेटिकल ऑपरेशन का जो मतलब ऑपरेशन हुआ, जैसे मैंने कहा कि 2 और 3 को ऐड करो तो 5 आया, ठीक है, आपको कहा जाए कि ऐड कीजिए किसको भाई, तो 1 2 को ऐड कीजिए 1 9 के साथ, ठीक है, तो जब ऐड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 1 कैरी 1 कैरी 1 और ये 3, इन टर्म्स ऑफ डिसिमल ये 31 होगा, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ हेक्साडेसिमल बात करेंगे तो वो दूसरा होगा, लेकिन अभी हम डिसिमल की फॉर्म बात करें तो ये कैरी जनरेट करेगा, 1 कैरी जनरेट करेगा। तो ये क्या करता है, फ्लैग्स का काम ये होता है कि जो मैथमेटिकल ऑपरेशन हो रहा है उसके स्टेटस को ये बताता है। स्टेटस का मतलब क्या हो गया कि सिंपली आपका ऑपरेशन हुआ तो उसमें कैरी जनरेट हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है, उसका रिजल्ट 0 तो नहीं ना हो गया या उसका रिजल्ट निगेटिव तो नहीं ना है, अगर निगेटिव है तो स्टेटस फ्लैग बताएगा कि उसका रिजल्ट क्या है, निगेटिव है, यानी साइन। स्टेटस फ्लैग में क्या होता है, ढेर सारा फ्लैग होता है, जैसे होता है साइन फ्लैग होता है, जीरो फ्लैग होता है, आपका पैरिटी फ्लैग होता है, आपका ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग होता है, कैरी फ्लैग होता है, ये 5 फ्लैग होता है, ठीक है। फ्लैग में जब हम लोग पढ़ेंगे तो फ्लैग कितने तरह का होता है, 5 तरह का होता है, जिसमें साइन फ्लैग, जीरो फ्लैग, साइन फ्लैग और जीरो फ्लैग सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ओके,
और कैरी फ्लैग भी, तीन चीज, तीन फ्लैग सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कैरी फ्लैग, साइन फ्लैग एंड जीरो फ्लैग। तो कैरी फ्लैग, साइन फ्लैग एंड जीरो फ्लैग क्या करता है कि अगर ये ऑपरेशन जो हुआ है एएलयू के अंदर जो मैथमेटिकल ऑपरेशन हुआ, तो उस ऑपरेशन में कैरी जनरेट अगर होगा तो ये सी इक्वल टू वन कर देगा, ये फ्लैग क्या करेगा, सी इक्वल टू वन शो करेगा। सी इक्वल टू वन का मतलब क्या है, ये बताएगा कि जो मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म होकर रिजल्ट में एक्यूमुलेटर में गया है उस ऑपरेशन में क्या हुआ भाई, तो कैरी जनरेट हुआ है, ठीक है। अगर सी जीरो है मतलब कैरी जनरेट नहीं हुआ है। एस इक्वल टू वन कर देगा मतलब क्या हो गया, साइन फ्लैग को वन कर दिया। साइन फ्लैग को वन करने का मतलब क्या हो गया कि आपका रिजल्ट जो है वो निगेटिव है। रिजल्ट जो है मान लीजिए आपने ऑपरेशन किया सब्सट्रैक्शन का और आपने इसको क्या किया, 1 4 को 1 2 को 1 4 से यानी 12 को 14 से घटाया, तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा यानी -2 आएगा। तो -2 का मतलब क्या है, निगेटिव, रिजल्ट निगेटिव है। तो क्या हो जाएगा, साइन फ्लैग एस बराबर वन कर देगा। एस बराबर वन करने का मतलब क्या है कि रिजल्ट जो है वो आपका निगेटिव है, ठीक है। जीरो फ्लैग उसी तरह से काम करेगा। जीरो फ्लैग कब काम करेगा, मान लीजिए आपने ए और बी को घटाया, यानी दो नंबर है दोनों को आपने आपस में घटाया, लेकिन दोनों इक्वल था, जैसे ये भी टू था ये भी टू था, तो घटाया तो कितना हो गया जीरो, तो रिजल्ट जीरो हो जाएगा। तो जीरो फ्लैग सेट कर जाएगा यानी जेड इक्वल टू वन देगा। जेड इक्वल टू वन का मतलब क्या हो गया, रिजल्ट जो आया है मैथमेटिकल ऑपरेशन में वो जीरो है, क्लियर। तो ये फ्लैग इस तरह से रिजल्ट के स्टेटस को बताता है। जैसे हमको दो दो वैल्यू को कंपेयर करना है, मान लीजिए हमको टू, हमको थ्री और टू को कंपेयर करना है, तो क्या करेंगे, सिंपली इन दोनों को घटा देंगे, कंपेरिजन हो जाएगा, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, थ्री में टू जाएगा कितना हो जाएगा वन। तो अब क्या हो जाएगा, आप साइन को देखेंगे, साइन पॉजिटिव है कि निगेटिव है, तो साइन बताएगा जीरो, यानी जीरो का मतलब क्या हो गया, ये पॉजिटिव है, तो वन पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। आप देखिएगा जीरो फ्लैग, जीरो फ्लैग क्या है आपको, जीरो, जीरो फ्लैग जीरो का मतलब क्या हो गया, ये वैल्यू नॉन जीरो है। अगर जीरो आ जाता तो यहाँ पे ये वन हो जाता, ठीक है। और क्या है आपका, आप कैरी को देखेंगे, कैरी जनरेट हुआ कि नहीं, तो कैरी नहीं जनरेट हुआ, तो ये भी जीरो। तो ये देखेंगे तो बता देंगे कि भाई इससे पता लग रहा है कि थ्री इज ग्रेटर देन टू। क्यों, क्योंकि थ्री टू से ग्रेटर क्यों है, कि थ्री अगर टू से छोटा होता तो ये क्या होता, साइन फ्लैग आपका वन होता, निगेटिव रिजल्ट आता, रिजल्ट क्या आता, निगेटिव, माइनस वन हो जाता। अगर मान लीजिए उल्टा कर दें, टू थ्री, टू को थ्री से घटा दें तो क्या आएगा, माइनस वन, तो ये साइन फ्लैग क्या हो जाएगा, यहाँ पे वन हो जाएगा। ये क्या बताया कि रिजल्ट जो है वो निगेटिव है। तो ये समझ में आया कि फ्लैग का क्या इंपॉर्टेंस है। तो फ्लैग क्या बताता है, स्टेटस ऑफ करंट क्या रिजल्ट, जो करंट रिजल्ट एएलयू ने प्रोड्यूस किया है उसका क्या स्टेटस है, ये कौन बताता है आपको, फ्लैग रजिस्टर बताता है। ओके, तो इसके अंदर, इस ब्लॉक के अंदर, आर्किटेक्चर के अंदर जितना भी ब्लॉक बना हुआ है सबका अपना अपना इंपॉर्टेंस है और सबका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है माइक्रोप्रोसेसर के मतलब प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में। ओके, तो एक लास्ट चीज बच रहा है, उसको भी मैं सोच रहा हूँ क्लियर कर ही दूं, जब सब चीज क्लियर कर दिया है। तो लास्ट बचा हुआ है डब्ल्यू और जेड, मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, बाकी सारे को एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन डब्ल्यू और जेड बच गया। तो डब्ल्यू और जेड क्या करता है, डब्ल्यू और जेड भी क्या है, रजिस्टर ही है, लेकिन ये भी 8 बिट रजिस्टर है, लेकिन क्या है, ये बी सी डी ई एच एल और ए, ये जो 7 8 बिट रजिस्टर मैंने बताया, ये 7 8 बिट रजिस्टर किसको दिया होता है, ये हम लोगों को दिया होता है, यूजर को, यानी यूजर के पास ये राइट है कि वो बी के अंदर कोई भी चीज स्टोर करता है, सी के अंदर कोई भी चीज स्टोर कर सकता है, डी के अंदर, ई के अंदर, एच के अंदर, एल के अंदर, यानी हमको जो मन करेगा, जो 8 बिट डेटा मन करेगा स्टोर करने के लिए बी में हम कर सकते हैं, सी में जो स्टोर करने का मन करेगा कर सकते हैं, एक्यूमुलेटर के अंदर जो करने का स्टोर करेगा मन करेगा कि इसको स्टोर कर, स्टोर कर सकते हैं। लेकिन डब्ल्यू और जेड के अंदर क्या है, हम लोग कुछ भी स्टोर नहीं कर सकते। तो ये क्यों दिया हुआ है, ये माइक्रोप्रोसेसर का अपना रजिस्टर है, इंटरनल रजिस्टर है। इसका काम ये होता है कि ये यूजर के लिए नहीं है, ये किसके लिए फ्री है, ये माइक्रोप्रोसेसर के लिए फ्री है। जैसे कोई ऑपरेशन ऐसा होता है जिसमें माइक्रोप्रोसेसर को डेटा रखना हो कहीं पे, तो क्या है, वो इस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए क्या करता है, सिंपली इस रजिस्टर को यूज करता है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेकर समझा दूं इसको भी, ताकि आपको ये भी चीज अच्छे से एकदम क्लियर हो जाए, क्रिस्टल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर समझते हैं, जैसे कहते हैं ना स्प्राइट पी के सब चीज क्लियर है, सुना ना, बहुत से लड़के लोग बोलते रहते हैं खाना खाने के बाद एक बार स्प्राइट पी लो तो सब क्लियर हो जाता है, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में अगर आर्किटेक्चर आपका क्लियर है तो पूरा माइक्रोप्रोसेसर क्लियर है। अगर आपने आर्किटेक्चर को नहीं समझा तो आपका कुछ भी क्लियर नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ इतने अच्छे से आर्किटेक्चर को पूरा टाइम लेके, हो सकता है ये मेरे लेक्चर का सबसे लंबा लेक्चर भी हो जाए मेरे पूरे लेक्चर सीरीज का, लेकिन मुझे इसको टाइम देना था स्पेशली ताकि आपको अच्छे से समझा सकूं। तो देखिए आर्किटेक्चर में हम लोग सब चीज बात कर लिया, तो अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं डब्ल्यू और जेड के बारे में। तो ये भी क्या है, एक स्पेशल रजिस्टर है जो माइक्रोप्रोसेसर सिर्फ अपने लिए रखता है, अपने लिए रिजर्व रखे हुआ है, ये यूजर नहीं इस्तेमाल कर सकते। क्यों, क्योंकि माइक्रोप्रोसेसर के पास एक इंस्ट्रक्शन होता है एक्सीजी, एक्सीएचजी, जिसको कहते हैं एक्सचेंज। एक्सचेंज किसको करता है,
डी को HLPR के कंटेंट के साथ एक्सचेंज करना होता है। मतलब कहने का मतलब, अगर मान लीजिए इसके अंदर स्टोर है 1002 और इसके अंदर स्टोर है 1004, अब क्या होता है, इसको यहां भेजना है और इसको यहां भेजना है, ठीक है, यानी इस डेटा को यहां भेजना है, 1004 को किसमें स्टोर करना है, डी में, और 1002 को किसमें स्टोर करना है, HL में, उल्टा करना है। तो इस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए माइक्रोप्रोसेसर को क्या चाहिए, माइक्रोप्रोसेसर क्या करता है, ये W और Z रजिस्टर पेयर है, ये 16 बिट डेटा को स्टोर कर लेगा, अलग अलग रहेगा तो 8-8 बिट, और अगर साथ में रहेगा तो 16 बिट को। तो अभी क्या करेगा माइक्रोप्रोसेसर, क्या करेगा, पहला काम करेगा कि 1002 को इसके अंदर लाके डाल देगा WD के अंदर, WZ के अंदर माइक्रोप्रोसेसर क्या करेगा, 1002 को डेटा को लाके यहां से लाके यहां रख दिया, ठीक है। तो अब ये जगह क्या हो गया, खाली हो जाएगा, 1002 क्या हो जाएगा, जब यहां आ जाएगा तो खाली हो गया। ये क्या करेगा, जब ये खाली हो जाएगा, एक सेकंड इरेज करके थोड़ा क्लियर कर लूं, ठीक है। देखिए जब ये जगह क्या हो जाएगा, जैसे ही माइक्रोप्रोसेसर में ये काम हो गया, एक सेकंड देखिए, तो हम बात कर रहे हैं कि यहां पे जो 1002 था वो निकल के कहां चला गया, यहां आ गया, ठीक है, ये स्पेस खाली हो गया। जब स्पेस खाली हो तो ये HL पेयर का जो डेटा है 1004 इसको मूव करा देगा यहां पे। तो ये वाला जब डेटा यहां उठ के चला आएगा तो अब ये क्या हो जाएगा, ये खाली हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, इस टाइम में ये 1004 जो है वो खाली हो जाएगा। जब ये खाली हो जाएगा तो ये 1002 जो डेटा है, ये HL पेयर का जो डब्बा खाली हो गया, इसमें ले आके चला जाएगा, चला गया। तो अब देखिए 1002 यहां आ गया, 1004 आ गया, यहां दोनों एक दूसरे को एक्सचेंज कर लिया डेटा को, तो ये किसके हेल्प से हुआ, WZ रजिस्टर इसके पास जगह था तभी तो ये किया। अगर माइक्रोप्रोसेसर के पास ये रजिस्टर यूजर को दिया होता और यूजर उस टाइम में अपना डेटा कुछ इसमें स्टोर कर देता तो क्या ये ऑपरेशन हो पाता, नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि कहीं ना कहीं तो इसको डेटा को लेकर रखना होता ना, तभी ना ये एक्सचेंज कर पाता। तो इसके लिए क्या करता है, माइक्रोप्रोसेसर इस रजिस्टर को अपने लिए फिक्स कर देता है और किसी भी यूजर को ये डेटा, ये वाला जो रजिस्टर है, किसी और यूजर को लिखने के लिए, इसमें कुछ भी राइट करने के लिए राइट नहीं दिया गया। यानी हम आप क्या कर सकते हैं, इसको यूज नहीं कर सकते अपने यूज, अपने डेटा के लिए। तो इसको कौन यूज करता है, इसको माइक्रोप्रोसेसर खुद यूज करता है, पर्सनल रिजर्व करके रखे हुआ है ताकि इस तरह के ऑपरेशन को परफॉर्म किया जा सके। ओके, तो आई होप आज का जो पूरा इंस्ट्रक्शन मैंने बताया कि कैसे कोई भी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट होता है आर्किटेक्चर के अंदर, कैसे प्रोसेसिंग होता है, यानी कैसे फेच होता है, फिर सबसे पहला काम क्या है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में फेचिंग हुआ, यानी यहां से मेमोरी से उठ के जो भी इंस्ट्रक्शन था वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर आया, वो फेचिंग हो गया। उसके बाद इसका क्या हुआ, डिकोडिंग। डिकोडिंग का मतलब क्या है, माइक्रोप्रोसेसर इसको समझा कि इस क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, क्या करना है। जब ये समझ गया तो इस प्रोसेस का डिकोडिंग, और समझने के बाद जब ऑपरेशन परफॉर्म करना शुरू किया, कौन परफॉर्म करना शुरू किया, टाइमिंग एंड कंट्रोल सर्किट, सबको सिग्नल भेजना शुरू कर दिया, तो ये ऑपरेशन परफॉर्म करना शुरू हो गया। तो इस प्रोसेस को कहते हैं एग्जीक्यूशन, इसको क्या कहते हैं, एग्जीक्यूशन। तो इससे पहले मैंने एक वीडियो लेक्चर बनाया था इसके मशीन साइकिल के ऊपर, सॉरी इंस्ट्रक्शन साइकिल ऑफ 8085 के ऊपर, तो उसमें मैंने बताया था कि फेचिंग, डिकोडिंग और एग्जीक्यूशन, लेकिन वहां एग्जांपल देके नहीं समझाया था। तो ये इसके लिए मैंने छोड़ दिया था कि जब मैं आर्किटेक्चर समझाऊंगा तो वहां क्लियरली बताऊंगा कि फेचिंग क्या होता है और डिकोडिंग क्या होता है और एग्जीक्यूशन क्या होता है। तो आई होप आपको ऐड का ऑपरेशन को मैंने परफॉर्म करके, सिंपल सा एक ऐड ऑपरेशन परफॉर्म करके पूरे आर्किटेक्चर को समझाया है। ठीक उसी तरह से आपका ये काम है कि आप सब्सट्रैक्शन और ऑपरेशन को परफॉर्म करें 4 और 5 के बीच में, और पूरे ऑपरेशन को एक्सप्लेन करें खुद से कि पहले क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, कहाँ रिजल्ट आएगा, कैसे स्टोर होगा, 4 कहाँ स्टोर होगा, 5 कहाँ स्टोर होगा, फ्लैग का स्टेटस क्या होगा, डिकोडिंग कहाँ होगा, सब कुछ ही आप खुद से सोचे स्टेप बाय स्टेप। जैसे मैंने एक्सप्लेन किया है कि पहले फेचिंग होगा, फिर डिकोडिंग होगा, फिर एग्जीक्यूशन होगा, एग्जीक्यूशन में क्या क्या होगा, कैसे कैसे कौन कौन रजिस्टर एक्टिव होगा, ये सारा चीज मैंने जो एक्सप्लेन किया है वो आप खुद से डिसाइड करेंगे, खुद से देखेंगे और खुद से समझेंगे। अगर ये काम आप कर पाए तो समझिए आपको आर्किटेक्चर पूरा क्लियर है और आपको माइक्रोप्रोसेसर समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर आप ये नहीं समझ पा रहे हैं तो मतलब आपका प्रॉब्लम अभी खत्म नहीं हुआ है और आपको अभी काफी ध्यान देने की जरूरत है। ओके, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग वेरी वेल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर।